कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। शुरू होगी, चीजों को महादान फैसला तुम्हें करना है, रामायण की महाभारत। आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की वीना करेगी वापसी। रवीना टंडन चाहेंगी केजीएफ 3 का हिस्सा बनना। फैंस ने बरसाया था रवीना पर प्यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोस। कुछ एक्टर्स होते हैं जिनका एक जमाना होता है जो सिर्फ एक ही समय में काफी ज्यादा हिट रहे, लेकिन उसके बाद उनकी वो रौनक खत्म हो गई और उनके फिल्में भी उतनी अच्छी परफॉर्म करना बंद कर गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जिन्होंने सदियों से ऐसी फिल्में दी है जो कि सबकी पसंदीदा रही है और वो हर दशक में, हर फिल्म में, हर किरदार में सबके फेवरेट बने हैं। ऐसे ही एक अदाकारा जिन्होंने जीता है हम सबका दिल, वो है रवीना टंडन। जी हाँ, 90s में बॉलीवुड पर राज करने वाली रवीना टंडन का जलवा समय के साथ खत्म ही नहीं हो रहा। एक टाइम ऐसा था जब उन्होंने अपनी फिल्मों में अपने जलवे से और अपने ग्लैमर से हमें ऐसी फिल्में दी थी जिसके सब दीवाने थे। वहीं आज के समय में उनके बदलते दशक और बदलती हुई फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी उन्होंने हमें ऐसी बहुत सारी फिल्में दी है जो फैंस की काफी पसंदीदा रही है। उनके बहुत किरदार ऐसे रहे हैं जो फैंस जिंदगी भर याद रखते हैं और उनमें से ही एक किरदार है उनका केजीएफ 2 में रमिका सेन का। आपको बता दें कि रमिका सेन के किरदार में रवीना टंडन ने ऐसी पावरफुल परफॉर्मेंस दी थी जिसे फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। केजीएफ 2 एक सुपरहिट फिल्म रही है जिसने अपनी कमाई से इतनी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं कि आज तक उसका कोई टक्कर नहीं दे पाया। और आपको बता दें कि केजीएफ फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म भी अब जल्द ही आने वाली है। प्रशांत नील, जिन्होंने पहले केजीएफ को सिर्फ दो हिस्सों में बनाना था, अपने हाल ही के इंटरव्यू में ऐसे हिंट्स दिए हैं कि यह फिल्म अपने तीसरे पार्ट के साथ वापसी करेगी और इस बार फिर से रवीना टंडन भी वापसी करेंगी। आपको बता दें कि रमिका सेन का किरदार इतना ज्यादा हिट इसलिए भी रहा क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल औरत का किरदार था और रवीना टंडन ने इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे किरदार निभाए हैं, तो ये तो मानिए उनकी एक्सपर्टाइज बन चुकी है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या केजीएफ के तीसरे हिस्से में भी रमिका सेन के इस किरदार के साथ रवीना टंडन करेगी फैंस को इम्प्रेस। क्या होगी वो कहानी जिसमें फिर से हमें मिलेंगे रॉकी भाई और रमिका सेन के बीच में देखने को एक जंग। ये सब के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार, लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशांत नील अपने इस खतरनाक अंदाज और रवीना टंडन के साथ जब भी कोलैबोरेट करते हैं तो एक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस हमें बड़े पर्दे पर देखने को मिलती है और इसी परफॉर्मेंस को देखने के लिए फैंस को भी है केजीएफ 3 का इंतजार। आपको बता दें कि केजीएफ 2 फिल्म को बड़ी लेवल पर बनाया जा रहा है।
इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब यह फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा यह तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और आप बताइए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं मंगीशा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टू की कौन सी चीजों को फिर से दोहराया जाएगा केजीएफ 3 में? आप सभी का दिल से स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। मैं हूँ प्रतीक्षा आपके साथ। दोस्तों 1951 से शुरू हुई ये कहानी KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स की ये कहानी रॉकी की है, जिसकी माँ ने मरने से पहले उससे वादा लिया था कि वो जिए जैसे भी लेकिन मरेगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर। कहानी को दो भागों में बांटा गया है और इसका पहला पार्ट ये है कि KGF चैप्टर 1 फिल्म के जरिए दिखाया गया और चैप्टर 2 भी रिलीज हो चुकी है जो हम सब देख चुके हैं और उसे काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। इतना पसंद कि उसके तीसरे भाग के आने का तो इंतजार ही नहीं हो रहा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रशांत नील का डायरेक्शन लाउड और यूनिक हुए बगैर ही अच्छा है। स्क्रिप्ट भी उनकी है, स्क्रिप्ट में सारे फिल्मी मसाले डाले हुए हैं। रॉकी के रूप में यश तो कमाल लग रहे हैं। बाकी एक्टर्स के लिए ज़्यादा काम तो नहीं है लेकिन जैसा हमने पिछली वीडियोस में बताया है कि इस बार फिल्म एक नहीं बल्कि पाँच कदम आगे चलने वाली है। मतलब कि इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछली बार अगर हमने बर्गर खाया था तो इस बार हमें चीज़ बर्स्ट पिज्ज़ा मिलने वाला है। खैर अगर इस फिल्म के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म KGF चैप्टर 3 को लेकर एक बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वो ये है दोस्तों कि फिल्म के मेकर्स ने खुलासा किया है कि KGF चैप्टर 3 के ऑडियो राइट्स एक बड़ी रकम में लाहिरी म्यूज़िक और टी सीरीज को सौंप दिए गए हैं। इस फिल्म के ऑडियो राइट्स प्रोड्यूसर्स ने 72 करोड़ रुपये में बेच दिए हैं। ऐसे ही नॉन लीनियर यानी कभी फ्लैशबैक और कभी इस वक्त की बात करने वाली फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है और ये फिल्म के टूटे हुए हिस्सों को आपस में जोड़ता है। जैसे इस फिल्म में माँ बेटे के रिश्ते वाले सीन्स में आप सिर्फ बैकग्राउंड थीम भर से ही इमोशनल हो जाता है, ऐसा कुछ ज़रूर देखने को मिलेगा क्योंकि ये उसी मूवी के आगे का पार्ट है। हाँ पर इसके साथ बहुत कुछ नया देखने की भी उम्मीद कर सकते हैं हम। वैसे ही कुछ हमें शूटिंग का सेट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि 50 से 80 के दशक में सेट देखने को मिले थे। यूँ नहीं कहते ओल्ड इज़ गोल्ड और यहाँ तो सच में गोल्ड है। आपको बता दें कि इस फिल्म के डायलॉग्स भी काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हैं, जी हाँ, जो हमें पहले की मूवीज़ में देखने को मिले थे, पर अब उनके साथ इसमें कुछ और डायलॉग ऐड हो गए हैं, जैसे कि नंबर 1 लो मैं फिर आ गया, या फिर नंबर 2 और भाई कहता था मुझे राजनीति नहीं आती। ये दो सबसे ज़्यादा और काफ़ी अहम रोल निभाने वाले लोगों के डायलॉग होने वाले हैं। दोस्तों अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जैसे पहले फिल्म देखते हुए आपको हमेशा ही 80 के दशक के अमिताभ और अमिताभ की मूवीज याद आई, वैसे ही इस बार भी कई बार ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे आपको जो बेशक जानबूझकर कॉपी नहीं किए गए हो लेकिन 80 के दशक की याद ज़रूर दिलाएंगे, चाहे वो मूवी सेट हो या हमारी रियल हिस्ट्री की किताब। जैसे कि मूवी में इंदिरा गांधी का होना इतिहास के पलटने जैसा नज़र आने वाला है। इसके साथ ही अग्निपथ वाला अमिताभ जब बैकग्राउंड में कविता और फोरग्राउंड में गुंडों की कुटाई चल रही होती है, वैसा ही कुछ KGF 3 में देखने को मिल सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये फिल्म इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूट होने वाली है। मतलब ये है कि इस बार रॉकी की माइनिंग करने के तरीकों में बदलाव आने वाला है। अब वो खुद किसी से माइनिंग नहीं कराएगा बल्कि दूसरे माइंस का हिस्सेदार बनेगा। फिल्म तब पूरी तरह कमर्शियल और फिल्में लगती है जब तक रॉकी 100 गुंडों की भीड़ को दौड़ा दौड़ा कर अकेले मारता है और KGF 3 में सिर्फ रॉकी नहीं सब एक दूसरे को मारेंगे। दोस्तों KGF 3 में माँ वाला इमोशन भी होगा, रोमांस भी होगा, तानाशाही, गुंडागर्दी, राजनीति, साजिश भी होगी। कुल मिलाकर ये फिल्म एक बहुत ही कमाल और बम्पर पैकेज की तरह ऑडियंस को लगने वाली है। यश और दूसरे किरदारों के जितने भी फैंस हैं वो तो अभी से एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो क्या आप भी इस फिल्म के लिए तैयार है? क्या आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलूंगी बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ।
कैसे हैं यश और संजय के रिश्ते केजीएफ 3 के सेट्स पर, प्रोडक्शन कैसे रख रही है एक्टर्स का ख्याल सेट पर, सॉन्ग्स कैसे होंगे केजीएफ 3 में। संजय दत्त और यश दोनों ही केजीएफ में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते नजर आए हैं और आएंगे, लेकिन इनमें कोई दोराहे नहीं है कि दोनों अपनी अपनी जगह बड़े स्टार्स हैं। वहाँ औरों के जैसे संजय और यश भी अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड करने में लगे हुए हैं, चाहे वो लुक्स हो या बॉडी, लेकिन आपस में दोनों बहुत बातचीत करते पाए जाते हैं। प्रमोशंस तो दोनों साथ कर ही रहे हैं, इसके अलावा दोनों हंसी मजाक करते भी पाए जाते हैं। संजय दत्त अपने एक्सपीरियंस से यश को एक्सप्रेशंस और एटीट्यूड बिल्ड करने में हेल्प कर देते हैं। वहीं सेट्स के अलावा यश भी संजय को डायलॉग डिलीवरी उनके लैंग्वेज में किस तरह से करना है ये सिखा देते हैं। भले ही हीरो और विलेन में ऑन स्क्रीन नहीं बनती, मगर सेट्स और प्रमोशंस के समय दोनों ही एक दूसरे को सहारा देते हैं। दोनों ने ही एक दूसरे के सीन्स को सराहा है और किक 3 के लिए भी कहा है कि इसमें किक एस सीन्स होंगे। KGF के सेट पर काफ़ी ख्याल रखा जाता है एक्टर्स का, उन्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो इसके चलते उनकी काफ़ी मांगें पूरी की जाती हैं। मूवी के लिए सिर्फ पैसे ही थोड़ी चाहिए होते हैं। संजय, यश, रवीना और श्रीनिधि सभी को अपने ओन वैनिटी वैंस दिए गए हैं। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड स्टाइलिस्ट भी रखे गए हैं जो उनके लुक को मूवी के कैरेक्टर के साथ अलाइन कर चुके हैं। जहां बहुत सीन्स एक्टर्स ने खुद ही किए हैं, वहीं कुछ बॉडी डबल्स और स्टंट मैन भी सेट पर अवेलेबल रहते हैं। सारे स्टंट सुपरविजन में किए जाते हैं जिसमें काफ़ी वायर्स और सिस्टम्स यूज हुए हैं। अगर फायर रिलेटेड सीन्स नहीं भी हैं तो भी बैकअप्स रखे जाते हैं। जनरल पब्लिक ज़्यादा इंटरफेयर ना करे इसलिए सिक्योरिटी भी स्ट्रॉन्ग रखी है। इसके अलावा प्रमोशंस के टाइम उनका रहना, ट्रैवल और सब प्रोडक्शंस ही संभालते हैं। केजीएफ 3 में भी प्रोडक्शन ने सारे स्टार्स की डेट्स और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट्स किए हैं और एक्टर्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है। कमाल की बात यह है कि इतने बड़े स्टार्स होते हुए भी ये सेट पर मिलजुल कर ही काम करते दिखे हैं। केजीएफ चैप्टर 3 में भी सॉन्ग्स स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होंगे और इसी के साथ एक्सोटिक लोकेशंस भी ली जा सकती हैं। मूवी में म्यूजिक रवि बसरूर की ही होगी। एक रोमांटिक सॉन्ग भी शूट होने की बातें आ रही हैं, जिसका सिंगर कौन होगा ये अभी तक आउट नहीं हुआ है। आखिर रॉकी और अधीरा की असली कहानी कोलार गोल्ड फील्ड में कितने साल पहले हुई थी खुदाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोस। मैं बड़ा सन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ केजीएफ चैप्टर 2 से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दर्शकों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। कन्नड़ सुपरस्टार यश की मूवी का सीक्वल यानी केजीएफ चैप्टर 2 लगातार चर्चा में है। डायरेक्टर प्रशांत नील की केजीएफ 2 का ट्रेलर 27 मार्च को रिलीज होगा। वहीं केजीएफ 2 सिनेमा हरों में 14 अप्रैल 2022 को रिलीज के लिए तैयार है। केजीएफ चैप्टर 2 से पहले असली कोलार गोल्ड फील्ड की कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसे सोने उगलने वाली खदान भी कहा जाता है। रॉकी यानी यश की केजीएफ की खान के इतिहास से लेकर ऐसे 10 फैक्ट से रूबरू करवाते हैं जिनके बारे में शायद ही आप परिचित होंगे। आपने भले ही केजीएफ चैप्टर 1 देखी हो, लेकिन असली केजीएफ की इन बातों से अनजान होंगे। क्या है केजीएफ का मतलब? सबसे पहले तो केजीएफ का मतलब जान लीजिए दर्शकों। इसका मतलब है कोलार गोल्ड फील्ड। केजीएफ कर्नाटक राज्य के कोलार डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक खनन क्षेत्र है। ब्रिटिश दौर में सोने के उत्पादन के लिए इस जगह को खूब जाना जाता था। कोलार दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान है और यहाँ से 121 सालों तक सोने की खुदाई की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलार से कुल 900 टन से ज्यादा सोना निकाला गया था। ब्रिटिश इसे मिनी इंग्लैंड कहा करती थी। जापान के बाद केजीएफ एशिया का दूसरा नगर है जहाँ बिजली शुरू हुई थी। नरेंद्र मोदी की सरकार इस खदान को फिर से खोलने की तैयारी में है। कहा जाता है कि आज भी कोलार में काफी मात्रा में सोना है। केजीएफ में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड में हजारों लोग काम किया करते थे। साल 2001 में इस सरकारी कंपनी ने खुदाई बंद कर दी थी। इसका कारण था कि सोना कम और खुदाई का खर्चा ज्यादा होने लगा था। केजीएफ से 131 किलोमीटर दूर शिवन समुद्र में एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। गुप्त चोल वंशों, टीपू सुल्तान से लेकर अंग्रेजों समेत कई सालों तक कोलार के सोने को खूब लूटा गया। 1903 में ब्रिटिश सरकार ने केजीएफ और आसपास के गांवों में पानी की आपूर्ति के लिए बेतमंगला में एक झील बनवाई।
ये कृति रम झील धीरे धीरे पिकनिक स्पॉट बन गई। तो दर्शकों, सच्ची बात और जानकारी जानकर आपको कैसा लगा, आप अपनी ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। केजीएफ 3 को मार्वल यूनिवर्स जैसे फ्रेंचाइजी बनाने की तैयारी में जुड़े हैं मेकर्स। क्या इस बार नहीं विलन की होगी एंट्री? क्या है केजीएफ की असली कहानी जहां से निकाला गया 910 गोल्ड? केजीएफ के पहले पार्ट से ही दर्शकों को इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार था और हाल ही में इसका सीक्वल केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुआ। ये फिल्म रिकॉर्ड बना रही है, अब तक करीब 200 करोड़ रुपए कमा चुकी है और केजीएफ का पूरा नाम है कोलार गोल्ड फील्ड्स। सुपरस्टार यश की ये फिल्म कर्नाटक के कोलार में मौजूद सोने की खदानों पर आधारित है। ये एक ऐसी खदान है जहां कभी लोग इन्हें हाथ से खोदते थे और सोना निकाल लेते थे। 121 साल के इतिहास में इस खदानों से करीब 900 टन सोना निकाला जा चुका है और जिस सोने की खदान को फिल्म में दिखाया गया है वो कर्नाटक के कोलार जिले के मुख्य लातल से 30 किलोमीटर दूर रॉबर्टसनपेट नाम की तहसील में है। दक्षिण अफ्रीका की पोनेट गोल्ड माइंस के बाद कोलार गोल्ड फील्ड्स की गिनती दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान में ही की जाती है। इस खान के बारे में ही कई कहानियां प्रचलित थी और इन्हें सुनकर ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेंटेन यहां पहुंचे और केजीएफ की सच्चाई जानने के लिए जॉन ने गांव वालों को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा जो भी शख्स खदान से सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम पाने की चाहत में गांव वाले बैलगाड़ी में खदान की मिट्टी भरकर जॉन के पास पहुंचे और जॉन ने मिट्टी को जांचा तो वाकई में उसमें सोने की अंश मिले। और उस दौर में जॉन ने खदान से 56 किलो सोना निकलवाया था और इसके बाद 1804 से 1860 के बीच सोना निकालने की काफ़ी कोशिश हुई लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसी दौरान कई लोगों की मौत होने के कारण खदान में खुदाई बंद करा दी गई और 1871 में इस खदान पर रिसर्च शुरू हुई। दरअसल रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्ज़गेराल्ड लेवेली ने 1804 में एशियाटिक जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें कोलार की इसी सोने की खदान का जिक्र था। लेवेली काफ़ी उत्साहित हुए और भारत आए। उन्होंने खदान के 100 किलोमीटर के दायरे में सफ़र किया और उन जगहों को चिन्हित किया जहां सोना मिल सकता है। नतीजा वो सोने के भंडार वाली जगहों को खोजने में सफल रहे। पहली सफलता के बाद जॉन ने 1873 में मैसूर के महाराज से खनन करने के लिए लाइसेंस जारी करने की अनुमति मांगी। महाराजा ने 2 फरवरी 1875 को लाइसेंस जारी किया और जॉन ने इसके लिए निवेशक ढूंढे और खनन का काम ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स को सौंपा। इस तरह केजीएफ से सोना निकलने का काम शुरू हो गया और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस दौर में भारत में जितना भी सोना निकलता था उसका 95% इसी केजीएफ से आता था। इस तरह भारत सोना पैदा करने के मामले में छठे पायदान पर पहुंच गया था। 1930 में कोलार गोल्ड फील्ड में सोने का भंडार घटने लगा। भारत के आज़ाद होने तक इस पर अंग्रेजी का एक ही नियंत्रण रहा। आज़ादी के बाद 1956 में ये खदान केंद्र के नियंत्रण में चली गई और वर्तमान में ये खदान खंडहर में तब्दील हो गई। सोना निकालने के लिए जो सुरंगें खोदी गई थी वो अपना पानी भरा है। विशेषज्ञ का कहना है कि केजीएफ में अभी सोना तो है लेकिन जो खदान के वर्तमान हालात हैं उसमें साफ है कि यहाँ जितना भी सोना है उसके ज़्यादा लगातार वो उसे निकालने में आ जाएगी। वहीं दूसरी ओर कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में एक्टर यश ने केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर बात की थी और बताया था कि इसमें पिछले दो पार्ट से भी ज़्यादा इंटेंस और हाई एक्शंस देखने को मिलेगा। वहीं अब मेकर्स की तैयारी है कि वो केजीएफ को मार्वल यूनिवर्स के तौर पर आगे बढ़ाने की और इसमें अन्य बड़ी फिल्मों के एक्टर्स भी जुड़ेंगे। विजय किरंगदर ने बताया कि वो एक केजीएफ को मार्वल यूनिवर्स के तौर पर डेवलप करेंगे और इसके लिए अलग अलग फिल्मों के दिलचस्प किरदारों को लाया जाएगा।
विजय किरण दूर का कहा है कि मेकर्स की प्लानिंग डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर स्पाइडरमैन होमकमिंग जैसा यूनिवर्स बनाने की है। और जब विजय किरण दूर से पूछा गया कि उनकी प्लानिंग केजीएफ को मार्वल यूनिवर्स जैसा बनाने की है, तो फिर नॉर्थ से इसमें कौन से एक्टर्स शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे स्टार्स को वो ले सकते हैं जो एक्शन जानते हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन। उन्होंने बताया कि वो केजीएफ में मैचो लुक वाले स्टार्स और कैरेक्टर्स को आगे लाने वाले मार्टर्स के इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब देखना यह है कि केजीएफ चैप्टर 3 में क्या ट्विस्ट और क्या नए किरदार देखने को मिलने वाले हैं। फैंस केजीएफ 2 में दिखाए गए पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद से ही तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं खबर है कि केजीएफ चैप्टर 3 में विलन के रोल के लिए बाहुबली फेम राणा दग्गुबाती को अप्रोच किया गया है, और राणा दग्गुबाती बाहुबली में भल्लाल देव के किरदार में दिखे थे। हालांकि अभी कुछ कंफर्म नहीं किया गया है और केजीएफ चैप्टर 2 में विलन अधीरा की मौत हो चुकी है और ऐसे में एक नए विलन की खोज जारी है। तो फिर आपके इसके ऊपर क्या विचार है हमें ये कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा रॉकी भाई को। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ कनिका लिंगपाल और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। इन्हीं सारे सवालों को जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब केजीएफ 2 के एंड के सीन में केजीएफ 3 के आने की खबरों को किया गया था तभी से फैंस में अलग ही उत्सुकता है फिल्म के आगे की कहानी जानने की। जैसे कि आप सभी ने देखा कि केजीएफ 2 में रॉकी मर जाता है, लेकिन कोई भी फिल्म डायरेक्टर ऐसे ही दमदार कैरेक्टर को यूं ही नहीं खत्म कर सकता, जिसकी वजह से फिल्म को सफलता पर सफलता मिल रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, रॉकी भाई फिर से दिखाई देंगे हमें मूवी में। जहां तक फिल्म की बात करें तो सीन में बस इतना ही दिखाया गया था कि रॉकी पानी में कूद जाता है, इससे ये साबित नहीं होता कि वो मर गया है। और ये तो सिनेमा है साहब, यहाँ कौन कब जिंदा हो जाए कहना मुश्किल है। अगर हम आगे की कहानी की बात करें तो इसमें ये दिखाया जाएगा कि 3 साल के इंटरवल में रॉकी ने कई देश विदेशों में लगभग 14 कंट्रीज में क्राइम किया था। साथ ही केजीएफ काफी डेवलप हो चुका है। एक और बात ऐसी है जो कि प्रूफ करता है कि रॉकी जिंदा है, तो हेलीकॉप्टर वाला सीन जो चैप्टर 1 में दिखाया गया था, जिसमें रॉकी पुलिस स्टेशन पे बैठा हुआ है और रॉकी की आईडी देखने के बाद पुलिस वाला पीछे हट जाता है, ये गारंटेड चैप्टर 3 का सीन होगा, क्योंकि चैप्टर 2 में इस सीन से कोई भी बात नहीं ली गई। खबरों की माने तो रॉकी को बचाने वाला इनायत खलील हो सकता है, और इसी के साथ फिल्म में इसकी वापसी का भी सीन दिखाया जाएगा। साथ ही आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रॉकी का रमिका सेन के साथ डील हो रहा है, जिसकी वजह से रॉकी ने अपना बिजनेसमैन वाला दिमाग लगाकर झूठी मौत की कहानी बनाकर दिखाई। ऐसा करने के लिए उसे रमिका सेन ने ही कहा था, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन का समय था और रमिका नहीं चाहती थी कि किसी भी हालत में उनका गलत इंप्रेशन पड़े लोगों का। आने वाले सीन में रमिका सेन रॉकी की मौत और केजीएफ 3 में एक बड़ी कड़ी साबित हो सकती है। आपको बता दें कि इस बार श्रीनिधि शेट्टी केजीएफ 3 में नजर नहीं आएंगी, उनका कैरेक्टर था अब वो खत्म हो चुका है। तो आप कहानी से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि फिल्म इस बार बॉक्स ऑफिस पर एक शानदार पारी खेल रही है। तो चलिए, इस चटपटी अपडेट के साथ आज का वीडियो यही करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। से क्या सीख सकते हैं प्रशांत ने। सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दिस इज रिया, और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 3 के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। प्रशांत नील डायरेक्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को सिनेमा घरों में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में 14 अप्रैल को रिलीज कर चुके हैं, जो अब केजीएफ 3 के साथ चर्चा में बनी हुई है। पहले पार्ट की तरह इस फिल्म को भी बाल्टी भर भर कर लोगों का प्यार मिल रहा है, और 4000 से ज्यादा स्क्रीन पाकर पहले ही दिन फिल्म ने सिर्फ हिंदी में 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म में मार धाड़ कूट कूट कर भरा हुआ है, गाने को भी कुछ एक जगह सुनने को मिल रहा है, और फिल्म में शोर भी भरपूर है, जिससे आपके कान के पर्दे भी फटने की पूरी पूरी गुंजाइश है। वैसे पिक्चर पूरी साफ सुधरी है, मतलब कि कोई इंटीमेट सीन्स नहीं है। जी हाँ, मतलब पूरी फैमिली मिलकर ये फिल्म आराम से देख भी सकती है। लेकिन 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 फिल्म में कई जगह मनोरंजन के नाम पर कुछ
सीन्स और कैरेक्टर्स ऐसे थे जिन्हें देखकर निराशा होती है, जिन पर डायरेक्टर को केजीएफ 3 को हिट बनाने के लिए मन लगाकर काम करने की जरूरत है। जैसे कि केजीएफ चैप्टर 1 में कई सारे डॉन थे, गरुड़ा, कमल, एंड्रयूज, विराट, जॉन, राजेंद्र देसाई, शेट्टी, सूर्यवर्धन, गुरु पंडियन, मतलब कि हर सीन में हर एक नया विलेन। पूरे 2.5 घंटे में यही जगह जगह छाए भी हुए थे। पहले पार्ट में तो इनका रॉब रुतबा समझ आ रहा था, फीलिंग आ रही थी कि भाई ये खतरनाक लोग हैं, रॉकी इनसे कैसे निपटेगा। लेकिन जब दूसरे पार्ट में विलन की यही टोली दोबारा देखने को मिली तो उनका वो रॉब फीका नजर आया। शेट्टी और एंड्रयूज फिर भी कुछ हद तक अपने लुक से गिरते फिरते विलन गिरी दिखा रहे थे, लेकिन बाद में भी उन्हें मुंह की ही खानी पड़ी। चैप्टर 2 में मेकर्स 2 नए विलन लेकर भी आए, एक अधीरा और दूसरा इनायत खलील, जिन्हें शुरू में देखकर लगा कि ये दोनों फिल्म में आग लगा देंगे, गदर काट देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब सुतली बम निकले। कुछ तो आपस में ही लड़ कट के मर गए और कुछ तो रॉकी ने ही खत्म कर दिया। बात तो तब बनती जब इनकी लड़ाई आमने सामने होती। फिल्म को मानो कान छांट करके बस रिलीज कर दिया था। तो अगर प्रशांत नील केजीएफ 3 को मार्वल यूनिवर्स बनाना चाहते हैं तो उन्हें उसी की तरह अपने विलन को इतना मजबूत करना होगा कि वो आखिरी तक अपनी परत दर परत खोलते रहे, क्योंकि जब कोई एक्टर विलन का किरदार करता है तो लोगों की उम्मीद उससे बढ़ जाती है कि वो हीरो से 10 कदम आगे ही होगा, बेशक हीरो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। और अगर हम संजय दत्त की अग्निपथ वाले कैरेक्टर के बारे में बात करें तो ऋतिक के सामने संजय दत्त के खड़े थे। तो बेशक साउथ की फिल्म हिट हो रही है, लेकिन उन्हें बॉलीवुड से विलन से कुछ सीखने की जरूरत है। बता दें केजीएफ 3 में अगर प्रशांत नील विलन पर काम करते हैं तो बेशक ये एक अच्छी सुपर फ्रेंचाइजी निकाल कर सामने ही आएगी। बता दें केजीएफ 3 की शूटिंग अक्टूबर 2022 से की जाने वाली है, तो फिर आप इस सुपर फ्रेंचाइजी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? मेकर्स ने अनाउंस की केजीएफ की कंफर्म्ड रिलीज डेट। आखिर क्यों किया गया केजीएफ के रिलीज डेट को चेंज? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राथ स्टूडियोज में। गाइज, ये तो सभी को पता है कि साउथ एक्टर्स ने किस तरह से हिंदी सिनेमा के फैंस को अपना दीवाना बना दिया है। आज के टाइम पर लोग टॉलीवुड के एक्टर्स और फिल्मों के इस कदर दीवाने हैं कि टॉलीवुड की फिल्मों का क्रेज अब तो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर हो गया है, और शायद इसलिए साउथ एक्टर्स आजकल सुर्खियों में बने रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम ये बातें आपको क्यों बता रहे हैं, आप तो ऑलरेडी ये सब जानते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों हम कर रहे हैं आज साउथ फिल्मों के क्रेज के बारे में बात। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिल्म की जिसने पूरे वर्ल्ड में अपना जादू चलाया है। हम बात कर रहे हैं केजीएफ 2 की। जब फिल्म केजीएफ रिलीज हुई थी तो फिल्म के मैसिव सक्सेस को देख के मेकर्स ने फिल्म के दूसरे पार्ट यानी केजीएफ 2 को भी रिलीज किया, जिसके बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई, और ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस बल्कि लोगों के दिमाग में भी इस तरह से बस गई कि लोग फिल्म के सेकंड पार्ट को देखने के बाद ही केजीएफ 3 के लिए सवाल करने लगे कि आखिर कब रिलीज होगी फिल्म केजीएफ 3। पर मेकर्स ने फिल्म को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी। पर आज हम आपको बताने वाले हैं एक गुड न्यूज जिसे सुनके आपकी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। फाइनली आ गई है फिल्म केजीएफ 3 की रिलीज डेट। गाइस, मेकर्स ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि केजीएफ 3 को 2024 में रिलीज किया जाएगा। खैर, ये तो थी फिल्म और फिल्म की शूट, रिलीज स्टोरी और कास्ट से जुड़ी कुछ बातें। पर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको कैसी लगी फिल्म से जुड़ी हमारी ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन, और आप कितने एक्साइटेड हैं केजीएफ 3 के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोस। केजीएफ 3 की शूटिंग, क्या कहा फिल्म के मेकर्स ने केजीएफ 3 के बारे में। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। गाइस, ये तो आप सभी को पता ही है कि साउथ एक्टर्स ने किस तरह से हिंदी सिनेमा के फैंस को अपना दीवाना बना दिया है। आज के टाइम पर लोग टॉलीवुड के एक्टर्स और फिल्मों के इस कदर दीवाने हैं कि टॉलीवुड की फिल्मों का क्रेज अब तो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर हो गया है, और शायद इसलिए साउथ एक्टर्स आजकल सुर्खियों में बने रहने का भी एक मौका नहीं गंवाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें तो आप ऑलरेडी जानते हैं, तो हम इस बारे में आपको क्यों बता रहे हैं। तो चलिए आपको बता दें कि आखिर हम क्यों कर रहे हैं आज साउथ फिल्मों के क्रेज के बारे में बात। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने पूरे वर्ल्ड में अपना जादू चलाया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केजीएफ 2 की।
जब फिल्म केजीएफ रिलीज हुई थी तो फिल्म के मैसिव सक्सेस को देख के मेकर्स ने फिल्म के दूसरे पार्ट यानी केजीएफ 2 को भी रिलीज किया, जिसके बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। और न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि लोगों के दिमाग में भी इस तरह से बस गई कि लोग फिल्म के सेकेंड पार्ट को देखने के बाद से ही केजीएफ 3 के लिए सवाल करने लग गए कि आखिर कब रिलीज होगी फिल्म केजीएफ 3। पर मेकर्स ने फिल्म को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी, पर आज हम आपको बताने वाले हैं एक गुड न्यूज जिसे सुनकर आपकी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आ गई है केजीएफ 3 की रिलीज डेट। गाइज, मेकर्स ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि केजीएफ 3 को 2024 में रिलीज किया जाएगा। खैर दोस्तों, ये तो थी फिल्म और फिल्म के शूट, रिलीज, स्टोरी और कास्ट से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है फिल्म से जुड़ी हमारी ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। साथ ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो नहीं मिली श्रीनिधि को रेस्पेक्ट, क्या है श्रीनिधि को लेकर यश का ओपिनियन? क्या यश नहीं करते अपनी हीरोइन की कदर? सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्मों की लिस्ट में केजीएफ 2 ने अपनी पक्की जगह बना ली है। देश विदेश में रॉकी भाई का वायलेंस धमाका मचा रहा है। आखिरकार यश ने कन्नड़ इंडस्ट्री को ग्लोबल बना ही दिया और फिल्म के एंड में चैप्टर 2 का हिंट देकर ऑडियंस के दिल में बुकिंग फिक्स कर ली। चैप्टर 3 बनने में काफी वक्त लग सकता है क्योंकि इस बार कहानी में नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लाकर नए इंटरकनेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। पर चैप्टर 3 हो, 4 हो, 5 हो, रॉकी भाई का वायलेंस लेवल तो बढ़ता ही जाएगा। सच है कि फिल्म की सक्सेस में यश का बड़ा हाथ है। आखिर ये फिल्म हीरो ओरिएंटेड रही है, पर फिल्म में बाकी किरदारों का भी काफी बड़ा हाथ है। इतना ही क्यों, यश की को-स्टार श्रीनिधि शेट्टी भी तो फिल्म में छा गए। उन्होंने अपने करियर में 2 ही फिल्में की और उन्होंने इन फिल्मों के लिए काफी अच्छे ऑफर्स ठुकरा दिए। प्रमोशंस और इवेंट्स के दौरान यश ने भी तारीफ करते हुए श्रीनिधि के बारे में कहा कि वो डेडिकेटेड एक्ट्रेस है। ज्यादा फिल्में करने के बजाय 2 फिल्मों के लिए उन्होंने अपने करियर के 6 से 5 साल दिए, जो कि कोई और नहीं कर सकता था, और साथ ही उन्हें लकीस्ट एक्ट्रेस भी कहा। यह तो सच है कि पहली फिल्म में इतना सक्सेस मिलना तो बड़ी बात है, पर उसके लिए काफी सैक्रिफाइस करना पड़ा। कभी कभी देखते वक्त ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ रॉकी भाई पर ही फोकस कर रहे हैं, जबकि उनके साथ श्रीनिधि को भी उतना ही अप्रिशिएट करना जरूरी है। मॉल्स में इवेंट्स के दौरान टीम के साथ पहुंचने के बाद श्रीनिधि काफी अकेले दिखाई देती है। एक इवेंट के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल स्टेज पर श्रीनिधि, यश, डायरेक्टर प्रशांत नील बैठे थे, पर कुछ लोग आकर सिर्फ यश को ही शेक हैंड कर रहे थे, जबकि श्रीनिधि भी उनको अप्रोच कर रही थी, खड़े हो रही थी, पर उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया गया और ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। इतना ही क्यों, खुद यश भी रवीना टंडन को काफी रिस्पेक्ट दे रहे थे और श्रीनिधि से बात भी नहीं कर रहे थे। मतलब एक साथ काम करो और तभी अजनबियों वाला बिहेवियर, मतलब इतना काम करने के बावजूद भी लोग इग्नोर करे, रिस्पेक्ट ना दे, ये तो ना इंसाफी हुई ना। इसीलिए श्रीनिधि के जितने भी फैंस हैं, अगर वो ये बात सुन ले तो उनका यही कहना होगा कि केजीएफ 3 में तो हीरोइन की कद्र करो, क्योंकि ये कोई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से नहीं है जो टैंट्रम्स दिखाकर बातों को कवर करे। खैर, चैप्टर 3 में श्रीनिधि होगी कि नहीं ये तो पता नहीं, पर पिछले 2 फिल्मों में उनकी और यश की केमिस्ट्री जबरदस्त रही। अगर प्रशांत नील के दिमाग में कोई और कहानी चल रही हो तो किसका नंबर लगेगा पता नहीं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आप है श्रीनिधि के रियल फैन? बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। केजीएफ 3 और मार्वल यूनिवर्स का कनेक्शन, क्या मार्वल यूनिवर्स क्रिएट करना पड़ेगा मेकर्स को एक्सपेंसिव? क्या केजीएफ 3 को लेकर प्रोड्यूसर हुए स्पाइडरमैन मूवी से इंस्पायर? क्या होगा केजीएफ 3 का ओवरऑल बजट? केजीएफ सीरीज की सक्सेस के बाद से ही अपकमिंग फिल्म केजीएफ 3 को लेकर ऑडियंस के बीच और सोशल मीडिया पर काफी चर्चा चल रही है। इस फिल्म को लेकर ऑलरेडी काफी रूमर्स और अनक्लियर फैक्ट्स भी स्प्रेड किए जा चुके हैं। तेजी से फैलती हुई इन स्पेकुलेशंस के चलते फैंस की होप्स और एक्साइटमेंट्स भी नेक्स्ट लेवल पर आ चुकी है। प्रोड्यूसर्स ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रिवील करके फिल्म के एंटरटेनिंग फैक्टर को और बढ़ा दिया है। हाल ही में केजीएफ 3 के प्रोड्यूसर विजय किरागंदूर ने यह कंफर्म किया है कि वो केजीएफ 3 में नए कैरेक्टर्स के साथ मार्वल स्टाइल यूनिवर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। मार्वल यूनिवर्स का मतलब होता है डिफरेंट स्टोरीज को आपस में इंटरकनेक्ट करके डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक ही फिल्म में प्रेजेंट करना। इस स्टाइल की मूवी थीम आजकल काफी ट्रेंड में भी चल रही है। मार्वल यूनिवर्स के पॉपुलर होने का रीजन है काफी पॉपुलर और हिट कैरेक्टर्स का एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देना। मार्वल यूनिवर्स किसी भी मूवी को अपनी प्रेजेंस से डबल एंटरटेनिंग बना देता है, क्योंकि हर कैरेक्टर में एक स्पेशल ट्रेट प्रेजेंट होता है। जब डिफरेंट कैरेक्टर्स के एंटरटेनिंग फैक्टर्स और क्वालिटीज मिक्सअप होती है तो ऑडियंस को स्क्रीन पर काफी एक्साइटिंग और फन एक्सपीरियंस मिलता है। प्रोड्यूसर विजय किरागंदूर हॉलीवुड मूवी स्पाइडरमैन से काफी इंस्पायर होते हुए नजर आते हैं।
एक इंटरव्यू में विजय ने कन्फेस किया कि वो केजीएफ 3 में वैसा कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं जैसे हॉलीवुड फिल्म्स स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज में प्रेजेंट किया गया था। विजय का ऐसा भी मानना है कि फिल्म में मार्वल यूनिवर्स क्रिएट करना फिल्म की सक्सेस का एडिशनल पॉइंट बन सकता है। सोर्सेस की माने तो केजीएफ 3 हो सकती है आने वाली साउथ की हाई बजट फिल्म। होमबेल प्रोडक्शंस हाउस और प्रोड्यूसर विजय किरागंडूर केजीएफ चैप्टर 3 को 1000 करोड़ रुपीस के बेनिफिट पर प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं। सोर्सेस की माने तो केजीएफ के पार्ट 3 को 2024 नवंबर या दिसंबर में रिलीज किया जा सकता है। अब देखना यह है कि केजीएफ 3 की मार्वल यूनिवर्स थीम ऑडियंस का दिल जीत पाती है या नहीं। तो इसी चटपटी अपडेट के साथ आज का ये वीडियो यही होता है एंड, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो एंटरटेनिंग लगा होगा। केजीएफ 3 के लीड एक्टर यश उर्फ रॉकी का कैरेक्टर ट्रेड कैसे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से इंस्पायर था। जैसे कि आप सबको पता है कि केजीएफ एंड केजीएफ 2 में रॉकी भाई की अमेजिंग लुक एंड अवतार ने कैसे हम सबको उनका दीवाना बना दिया, और ऑथेंटिक सीन्स के लिए जब इन्हें 70s के कपड़े पहनाए गए तो इस कैरेक्टर से जरूर आपको 70s और 80s के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की याद आ गई होगी। दरअसल फिल्म में प्रशांत नील 70s और 80s का सीन क्रिएट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बच्चन साहब के रेट्रो लुक्स को रेप्लिकेट करने की सोची। इसीलिए फिल्म में रॉकी भाई के बाल लंबे रखवाए गए और उन्हें बेल बॉटम पहनाया गया। सिर्फ लुक्स तक ही नहीं बल्कि केजीएफ अपनी स्टोरी थीम को लेकर 70s हिंदी सिनेमा से मेजर इंस्पिरेशन लेती है। ऐसा कहा जा रहा है कि केजीएफ 2 की स्टोरी लाइन 70s की एक फिल्म से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। एट द सेम टाइम केजीएफ 2 ने भी उस मूवी से इंस्पिरेशन ली एंड उस फिल्म को मॉडिफाइड तरीके के साथ दर्शकों तक प्रेजेंट की। वेल, ये तो था कि कैसे केजीएफ 2 के फिल्म मेकर्स ने केजीएफ 2 की स्टोरी लाइन के ऊपर कैसे रिसर्च की एंड कैसे उन्हें इस फिल्म को करने के लिए इंस्पिरेशन मिली। साथ ही साथ फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने तो प्रूफ कर दिया कि वो एक अच्छी कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाना बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये भी बता दिया कि वो अपनी फिल्मों को बड़े लेवल पर भी बनाना जानते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि गाइज केजीएफ 2 फिल्म की अच्छी फीडबैक के बाद फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज किया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये 2023 में कर दिया जाएगा। एंड बात करें यश की तो वो फिल्म में अपने कैरेक्टर के रोल को करने के लिए इतने एक्साइटेड है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये फिल्म 1000 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन कर चुका है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 2 में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी जैसे कई किरदार नजर आएंगे एंड केजीएफ 3 की तैयारी शुरू कर दी गई है। सुनने में आया है कि ये फिल्म साल 2024 में जनवरी के महीने में रिलीज की जाएगी। धीर नील ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पिक शेयर करते बताया कि केजीएफ 3 मूवी का प्री प्रोडक्शन वर्क शुरू कर दिया गया है। इस फिल्म में यूज करने वाले कॉस्ट्यूम्स की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर फिल्म की लोकेशन भी सेट को फाइनलाइज करने के बारे में सोचा जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त को दे दीजिए इजाजत, और आपकी इस मूवी यानी कि केजीएफ 3 को लेकर क्या सजेशंस या फीडबैक है ये हमें जरूर बताएं। आपको ये बता दें कि केजीएफ 3 फिल्म सिल्वर स्क्रीन्स पर जल्द रिलीज हो सकती है। अब क्या ये फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के बाद फैंस का दिल जीत पाती है, तो गाइज ये तो अब वक्त ही बताएगा। उम्मीद करते हैं कि फिल्म को देखने के लिए आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे, साथ ही साथ इन फैक्ट्स के बारे में जानकर काफी हैरान भी रह जाएंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। टू ओवरटेक करेगी बाहुबली को, किस तरह केजीएफ चैप्टर 2 1700 करोड़ के मार्क को क्रॉस कर सकती है, केजीएफ 2 ने हाल ही में कौन से रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां आज हम बात करेंगे डायरेक्टर प्रशांत नील की हाल ही में रिसेंट रिलीज फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। केजीएफ चैप्टर 2 ने अपने अगले चैप्टर की घोषणा तो की ही थी, मगर साथ ही साथ वो लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही है। केजीएफ चैप्टर 2 बिना रुके रिकॉर्ड्स तो तोड़ ही रही है, मगर साथ ही साथ फैंस के लिए चैप्टर 2 को लेकर जो उम्मीदें हैं वो बहुत लगातार बढ़ती जा रही है। जहां पुष्पा और ट्रिपल आर जैसी न्यू साउथ इंडियन मूवीज ने पूरे इंडिया
इंडिया भर में अपना नाम बनाया, वही केजीएफ चैप्टर 2 एक एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजी थी ऑलरेडी और उस अपनी लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना था, जिसे केजीएफ 2 ने बखूबी निभाया और साथ ही साथ केजीएफ चैप्टर 1 का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया। लेकिन बाहुबली 2 का इतना लंबे टाइम से चलते आ रहे 552 करोड़ के वीकेंड कलेक्शन रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि केजीएफ चैप्टर 2 की स्पीडी कलेक्शन के ऊपर ब्रेक लग सकती है जब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 रिलीज की जाएगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। केजीएफ चैप्टर 2 की कलेक्शन काफी हद तक स्लो डाउन हो चुकी है, लेकिन रुकी नहीं है, ये बात कंफर्म है। केजीएफ चैप्टर 2 के लिए जो रिकॉर्ड सबसे नजदीक नजर आ रहा था वो था ट्रिपल आर का, जिसका कलेक्शन था 1100 करोड़ से भी ज्यादा। और हाल ही में केजीएफ चैप्टर 2 ने इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया, वो भी ट्रिपल आर मूवी के लगभग आधे टाइम में, जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। अब हाईएस्ट इंडियन ग्रॉसिंग मूवीज की लिस्ट में केजीएफ चैप्टर 2 सिर्फ और सिर्फ दो मूवीज से पीछे है, दंगल और बाहुबली 2 द कंक्लूजन। एंड फिलहाल ये मूवीज अभी भी थिएटर्स में रन की जा रही है, और जब आप इस मूवी को देख रहे होंगे तब तक केजीएफ चैप्टर 2 के रिलीज को 1 मंथ पूरा हो चुका होगा। बस अब वेट है केजीएफ चैप्टर 2 के ओटीटी रिलीज का, एंड केजीएफ मेकर्स ने इस मूवी के ओटीटी राइट्स के लिए 400 करोड़ तक की डील फाइनल की है। दस अगर थिएटर रन को कंप्लीट करने के पहले अगर केजीएफ चैप्टर 2 1300 करोड़ के मार्क को टच करती है तो केजीएफ चैप्टर 2 का ऑफिशियल टोटल मार्क हो जाएगा 1700 करोड़ का, और फिर वो काफी आसानी से बाहुबली 2 और दंगल को भी ओवरटेक कर सकती है, मगर ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक आप हमें बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या केजीएफ चैप्टर 2 बाहुबली 2 को ओवरटेक कर पाएगी या फिर नहीं, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रही बात हमारी, तो हम आपको बताएंगे कि कौन से फैक्टर्स केजीएफ के फेवर में हैं और वो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। देखिए केजीएफ पर रिसर्च, क्या है फैन दीक्षा की केजीएफ 3 की इन्वेस्टिगेशन, कब हो सकती है फिल्म रिलीज, कैसा है केजीएफ 3 का फैन मेड ट्रेलर, केजीएफ सीरीज की सक्सेस के बाद से ही अपकमिंग फिल्म केजीएफ 3 को लेकर ऑडियंस के बीच अलग ही चर्चा चल रही है। इस फिल्म के रिलीज को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सोशल मीडिया पर अपनी एक्साइटमेंट दिखाने से पीछे नहीं हट रही है। एक्साइटमेंट लेवल इतना बढ़ चुका है कि लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए फैंस ने इस फिल्म को लेकर सेल्फ रिसर्च करना भी शुरू कर दिया है। चलिए देखते हैं कि यश और केजीएफ सीरीज की फैन यूट्यूबर दीक्षा ने क्या इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन की है। यूट्यूबर दीक्षा फिल्मी इंडियन नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती है। हाल ही में दीक्षा ने केजीएफ 3 को लेकर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की है। दीक्षा की रिसर्च के अकॉर्डिंग केजीएफ सीरीज की सक्सेस के बाद ये बात तो पक्की है कि केजीएफ 3 बॉक्स ऑफिस पर जरूर हिट होगी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि दीक्षा की रिसर्च के अकॉर्डिंग केजीएफ 3 और सालार का आपस में एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और ऑडियंस के बीच असली एक्साइटमेंट ये सीक्रेट कनेक्शन जानने के लिए ही है। मेकर्स की तरफ से भी इस फिल्म के रिलीज को लेकर काफी हिंट्स मिल रही है, पर अभी तक मीडिया में इस फिल्म की मेकिंग और रिलीज को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। सोर्सेस की माने तो इस फिल्म को लेकर शूटिंग रिलेटेड वर्क स्टार्ट किया जा चुका है और फिल्म की रिलीज साल 2023 में एक्सपेक्ट की जा रही है। फैंस का ऐसा कहना है कि केजीएफ चैप्टर 2 में काफी क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल पाए थे, जिसके चलते फैंस के बीच काफी सस्पेंस बना हुआ है। डायरेक्टर का चैप्टर 2 में इतना सस्पेंस बनाए रखने का साफ रीजन है कि केजीएफ चैप्टर 3 को बड़े पर्दे पर लेकर आना है। अपकमिंग केजीएफ 3 इतनी ट्रेंडिंग करनी है कि फैंस ने अपना एक्साइटमेंट लेवल केजीएफ 3 का इमेजिनरी ट्रेलर बनाकर भी शो किया। हालांकि इस ट्रेलर में एक्चुअल मूवी से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, फिर भी ट्रेलर में कुछ एक्सपेक्टेड एक्शन सीन्स इंक्लूड किए गए और ऑडियंस के बीच क्रेज और बढ़ाने के लिए यश की इमेजिनरी एंट्री भी दिखाई गई। ट्रेलर के कुछ एक्शन सीन्स को केजीएफ 3 की स्टोरी लाइन से काफी हद तक रिलेट करने की कोशिश भी की गई। इस ट्रेलर के रिलीज होते ही फैंस ने जमकर लाइक्स और कमेंट्स किए और इस क्रिएटिव ट्रेलर को काफी अप्रिशिएट भी किया गया। तो इसी चटपटी अपडेट के साथ आज का ये वीडियो यही होता है एंड, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको एंटरटेन कर पाए होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्रास स्टूडियोज, और मैं आपकी दोस्त और होस्ट मंगीशा आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों आपको बता दें कि केजीएफ 3 के जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान जो बातें हुई थी वो बड़ी ही खतरनाक थी।
उन्होंने एंड पर एक नोट में एक बात कहकर छोड़ी कि जैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, वैसे ही आपको केजीएफ का सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलेगा। भाई, केजीएफ का सिनेमैटिक यूनिवर्स, आप सोच के देखो ये चीज गाइज। फिल्म के डायरेक्टर ने इस बात को कहा कि पहले उनका मेन फोकस फिल्म सालार पर है, जो कि अगले साल 2023 में रिलीज होगी। उसके बाद वो केजीएफ चैप्टर 2 के अगले सीक्वल की तरफ ध्यान देंगे। साथ ही साथ प्रशांत नील केजीएफ के डायरेक्टर ने एक हिंट भी दिया, जिससे आई एम श्योर आप सब बहुत ही क्यूरियस हो जाएंगे। प्रशांत नील ने बताया कि हो सकता है कि वो फिल्म में प्रभास की एंट्री करे। अब इस बीच सवाल ये उठता है कि कहीं रॉकी से उनका लीड रोल ना छीन लिया जाए, और अगर ऐसा हुआ तो बस ये सोचना तो टफ है कि रॉकी इस बात को कैसे रिएक्ट करेंगे। एनीवेज, ही एडेड कि उन्होंने केजीएफ 3 के रिलीज होने के बाद एक और फिल्म के बारे में भी सोचा है, और उस मूवी के लिए कई एक्टर्स को भी शॉर्टलिस्ट किया है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो केजीएफ 3 का अगला सीक्वल होगा, बट ये कहा कि उस मूवी में उनकी प्लानिंग ऐसी है जिसमें एक अलग तरह की दुनिया दिखाई जाएगी, यानी कि काफी यूनिक कंसेप्ट होने वाला है जो आज तक ना किसी ने सोचा और ना ही सोच पाएगा। इससे तो साफ ही पता चलता है कि कन्नड़ा इंडस्ट्री किसी दूसरी इंडस्ट्री से कम नहीं, और वो दूसरी इंडस्ट्री कौन सी है गाइज, ये तो शायद आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि केजीएफ 3 की कहानी वहीं से शुरू की जाएगी जहां पर केजीएफ 2 की एंडिंग हुई थी। बजट की बात करें तो मेकर्स ने फिल्म के लिए काफी हाई बजट तैयार किया है। सुनने में आया है कि फिल्म में यूज करने वाले कॉस्ट्यूम्स बनने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी और फिल्म की लोकेशन भी काफी हटके ही होगी। बात करें फिल्म केजीएफ 3 की कास्टिंग की, तो इसमें यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी को कास्ट करने की प्लानिंग ऑलमोस्ट फाइनल है। दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी आपकी होस्ट और दोस्त को दे दीजिए इजाजत, और आप की इस मूवी यानी केजीएफ 3 को लेकर क्या सजेशंस या फीडबैक है ये हमें जरूर बताएं। आपको ये बता दें कि केजीएफ 3 सिल्वर स्क्रीन पर जल्द ही रिलीज हो सकती है। अब क्या ये फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के बाद फैंस का दिल जीत पाती है, तो गाइज ये तो अब वक्त ही बताएगा। उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म को देखने के लिए आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे, साथ ही साथ इन फैक्ट्स के बारे में जानकर काफी हैरान भी रह जाएंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? क्या है केजीएफ 2 का मिड क्रेडिट सीन? चैप्टर 1 और 2 में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, जहां आज हम बात करेंगे डायरेक्टर प्रशांत नील की लेजेंडरी मूवी केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में, जिसकी प्रीक्वल केजीएफ 2 प्रेजेंटली काफी तूफानी स्पीड से बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए जा रही है। अब हम अच्छे से समझ सकते हैं कि मूवी रिलीज हुए अभी सिर्फ लगभग 10 ही दिन हुए हैं, और काफी ऑडियंस ऐसी भी होगी जिन्होंने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है। सो गाइस, टेंशन नॉट, हम इस वीडियो में टोटली स्पॉइलर फ्री डिस्कशंस करेंगे, और अगर मूवी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे भी तो भी आपको उसका आइडिया नहीं मिलेगा या फिर आपकी मूवी स्पॉइल नहीं होगी। तो बेसिकली केजीएफ 2 अपने प्रीक्वल की कहानी को वहीं से शुरू करती है जहां खत्म की थी, और उसके बाद इस मूवी में बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स है। एक के बाद एक सुपर सीन्स और ट्विस्ट्स आते हैं कि आप चाह कर भी कोई चीज ना तो स्किप कर सकेंगे और ना ही मिस। एक चीज जो सभी जानते हैं या फिर एक स्पॉइलर कह लीजिए कि केजीएफ चैप्टर 3 की कंफर्मेशन कर दी है मेकर्स ने। जैसा कि हमने आपको हमारी पिछली केजीएफ 2 के बारे में डिस्कस करते हुए एक वीडियो में बताया था कि मूवी कंप्लीट देखने के बाद थिएटर से उठिएगा मत, क्योंकि मूवी में एक शानदार मिड क्रेडिट सीन भी है। तो गाइज, वो मिड क्रेडिट सीन यही था कि हमें केजीएफ चैप्टर 3 की कंफर्मेशन मिलती है, जो कि इस मूवी के एक्साइटमेंट को बिल्कुल अलग ही लेवल पे ले जाती है। चैप्टर 3 में रॉकी एक बार फिर से राइज करेंगे, और अपने साथ हुए पिछले इंसिडेंट्स को एनालाइज करते हुए उसी हिसाब से हमें रॉकी और भी ज्यादा डेंजरस और ब्रूटल देखने को मिलेंगे। चैप्टर 1 एंड 2 में जो सबसे बड़ा फर्क यही था कि जहां चैप्टर 1 में हमें रॉकी मोस्ट पावरफुल बीइंग और स्वैगस्टर दिखाया गया, तो वहीं चैप्टर 2 में हमें रॉकी के दुश्मन भी उसके टक्कर के दिखाए गए थे। सो अब चैप्टर 3 में मोस्ट प्रोबेबली हमें फिर से हमारे फर्स्ट पार्ट वाला रॉकी भाई वापस मिल सकता है, जो कि ना तो आसानी से हारता है और ना ही वो अपने सामने वाले को हार मानने देता है। अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपने दुश्मन को बराबर पनिश करता है। आपके अकॉर्डिंग पार्ट 3 में हमें रॉकी और भी ज्यादा ब्रूटल मिलेगा, या फिर एक रिवेंज लेने के लिए सुपर स्मार्ट माइंड यूज करता दिखाया जाएगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बनाई जाएगी केजीएफ चैप्टर 3? कौन से 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं मूवी में? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट YouTube चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ केजीएफ चैप्टर 3 से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा।
KGF Chapter 2, जिसने देख ली उसे एक मजेदार डायलॉग तो याद ही होगा, He is the biggest criminal, he is the biggest businessman. और उसमें नया पार्ट जोड़ लो, This is the biggest question. बोले तो KGF Chapter 3 कब आएगा? आएगा भी नहीं आएगा ये सवाल नेशनल और इंटरनेशनल हर लेवल पर फैंस को पागल कर रहा है। पूरा किस्सा शुरू हुआ चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जब ऑडियंस बेचारी हैप्पी एंड सैड एंडिंग के बीच बैलेंस ढूंढ रही थी। तभी लास्ट बॉल पर मेकर्स ने जो छक्का मारा, मतलब आउट ऑफ द स्टेडियम, मतलब तीसरा इमोशन जोड़ दिया एक्साइटमेंट विद द अनाउंसमेंट ऑफ चैप्टर 3। वो भी किसके हाथों? रमिका सेन, रॉकी की सबसे बड़ी दुश्मन। मैडम का एटीट्यूड काफी सीरियस एंड डेंजरस है, तो चैप्टर 3 की न्यूज को मजाक में नहीं ले सकते आप। अब मुद्दे की बात यह है कि चैप्टर 3 बनेगा कैसे? रॉकी का जहाज तो डूब गया और सारा सोना भी समुंदर के पेट में चला गया। परफेक्ट एंडिंग बॉस, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली तो ये कि रॉकी भैया कानून की नजर में लीगल तरीके से मर गए, फिनिश दी एंड। लेकिन पीछे पीछे सीक्रेट डील है विद रमिका सेन ताकि सरकार की इज्जत बच जाए और हिस्ट्री में यही न्यूज रहे कि क्रिमिनल पे गवर्नमेंट भारी रही, जबकि एक्चुअल रॉकी जिंदा है, बस रमिका सेन से दूर रह के मस्त रूल करेगा, वो भी इंटरनेशनल जमीन में घुसकर। क्योंकि देखो, रीना भले ही चली गई और रॉकी की लाइफ खाली हो गई, लेकिन माँ को दिया हुआ वादा सबसे ऊपर है, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना है, पूरी दुनिया, नॉट ओनली इंडिया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि रॉकी ने अपनी मौत खुद चुनी और फाइनली ही इज नो मोर। तो फाइनली रमिका सेन जीत गई और मॉन्स्टर हार गया। अब चैप्टर 3 में हमें जो दिखाया जाएगा वो होगा रॉकी का फ्लैशबैक। बोले तो 1977 से लेकर 1981 वाला टाइम, जिसको मूवी में फास्ट फॉरवर्ड मार दिया गया। तो ये लास्ट ट्रिब्यूट की तरह KGF 3 को फैंस के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है, बेस्ट गिफ्ट फॉर फैंस। उसके बाद KGF की दुनिया में परमानेंट ताला लग जाएगा। लेकिन इसके ठीक उल्टा है पॉसिबिलिटी नंबर 3, जो साफ जाहिर करती है कि KGF एक सिंगल मूवी नहीं है, बल्कि पूरा यूनिवर्स है, मॉन्स्टर यूनिवर्स, जिसमें रॉकी तो बस शुरुआत है, अभी तो और बड़े मॉन्स्टर की एंट्री होनी बाकी है। मॉन्स्टर नंबर 2 सलार, इनकी कहानी को इजली जोड़ा जा सकता है KGF 3 से, क्योंकि दोनों फिल्मों का थीम सेम टू सेम है और प्रशांत नील खुद एक इंटरव्यू में सलार को एज अ कमांडर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। क्या पता ये आर्मी फोर्स हो जो रॉकी भाई का साथ देने आ रही हो। अब आते हैं मॉन्स्टर नंबर 3, बगीरा। ये क्रिमिनल नहीं, क्रिमिनल की मौत बनकर एंट्री मारेंगे। बगीरा की टैगलाइन को साफ पढ़िए, भाई साहब जंगल को साफ करने आ रहे हैं। बोले तो रॉकी प्लस सलार प्लस बगीरा भी देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से कौन सी पॉसिबिलिटी को मेकर्स रखते हैं KGF चैप्टर 3 के लिए। KGF चैप्टर 2 की सक्सेस के बाद प्रशांत नील ने बढ़ाई अपनी फीस, क्या जल्द रिलीज करेंगे KGF चैप्टर 3? आखिर RRR के किस एक्टर के साथ फिल्म बनाएंगे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज में सोनिका जुआल। दोस्तों, कन्नड़ इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म डायरेक्टर प्रशांत नील ने अब तक केवल 3 फिल्में डायरेक्ट की हैं। इन तीनों फिल्मों में से 2 फिल्में तो KGF फ्रेंचाइजी हैं। 14 अप्रैल के दिन ये फिल्म रिलीज हुई और इसने तहलका मचा दिया। अब तक वर्ल्ड वाइड 1,000 करोड़ की कमाई कर ली है, बॉलीवुड की कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और कन्नड़ की पहली फिल्म बन चुकी है जिसने 1,000 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार किया। फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े। ऐसे में अब प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 2 की ज़बरदस्त सफलता के बाद अपनी फीस भी डबल कर दी है। इस टाइम प्रशांत नील साउथ इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स के साथ काम करने के लिए तैयार है। साथ ही प्रशांत नील पहले ही तेलुगु के 2 टॉप प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने के लिए राजी हो चुके हैं। आपको बता दें, प्रशांत नील इन दिनों बाहुबली एक्टर प्रभास के साथ सलार की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म का निर्माण होमले फिल्म्स कर रही है, जिसने KGF का भी निर्माण किया है। वहीं दोस्तों, पहले प्रशांत नील की फीस हुआ करती थी 25 करोड़, और अब एक फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए वो 50 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत नील NTR के साथ भी एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, यानी कि KGF ने प्रशांत नील की किस्मत को बदल डाला और अब लोगों को KGF 3 का इंतजार है। आपको बता दें, जब KGF चैप्टर 1 बन रही थी तो उस टाइम किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया था ये इतनी ज्यादा सुपरहिट होगी। यहां तक कि इसको एक ही फिल्म में निपटाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि पहला पार्ट इतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। उसके बाद लोगों ने रिस्क लिया और KGF चैप्टर 2 बनाई,
उस वक्त भी सबके मन में यही ख्याल आ रहा था कि अगर चैप्टर वन हिट नहीं हुई तो पूरी फिल्म, पूरी स्क्रिप्ट वेस्ट हो जाएगी। लेकिन जब केजीएफ चैप्टर वन रिलीज हुई तो शाहरुख खान, जो कि बॉलीवुड के बादशाह है, उनका ताज भी इस फिल्म ने छीन लिया। आप तैयार हो जाइए केजीएफ चैप्टर 3 के लिए, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 में बहुत सारे सवाल छूट चुके हैं जिसका जवाब आपको मिलेगा केजीएफ चैप्टर 3 में। तो दोस्तों, कितना इंतज़ार है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को। चैप्टर 2 ने टोटल स्कोर कितना किया? हीरोपंती 2 रनवे 34 को कड़ी टक्कर केजीएफ 2 ने आखिर कैसे दी? सो हेलो टू माई लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज। दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। प्रशांत नील निर्देशित केजीएफ चैप्टर 2 हिंदी ने अपने तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर लिया है और अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी गति का आनंद ले रही है। इस फ्राइडे को दो बड़ी रिलीज के बावजूद केजीएफ चैप्टर 2 ने अपना मजबूत प्रदर्शन बनाए रखा है। अपने तीसरे शुक्रवार को केजीएफ चैप्टर 2 हिंदी ने अपने कुल में 4 करोड़ रुपए जोड़े, जो अजय देवगन अभिनेता रनवे 34 की शुरुआती दिन की संख्या से बेहतर था, जिसने पहले दिन 3 करोड़ रुपए कमाए। केजीएफ चैप्टर 2 हिंदी भी कुछ स्क्रीन पर खो गई क्योंकि इसे के हीरोपंती 2 से बदल दिया गया था, जिसने अपने शुरुआती दिन में 6.5 करोड़ रुपए कमाए। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार केजीएफ चैप्टर 2 हिंदी वर्तमान में कुल 345 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है और 400 करोड़ क्लब में प्रवेश करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। फिल्म का कलेक्शन आगामी पर ईद की छुट्टी पर टोटल कलेक्ट करना है, फिर ईद की छुट्टी के दिन ही इस फिल्म का टोटल कलेक्शन निर्भर करेगा। और केजीएफ चैप्टर 2 में यश, संजय दत्त और रवीना टंडन के मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। बॉलीवुड फिल्मों पे हर हिंदी डब्ड में कई दक्षिण फिल्मों की सफलता के बारे में बोलते हुए दत्त ने हाल ही में ये जाहिर किया था और ये कहा था कि मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म उद्योग जीवन से बड़ी वीरता को भूल गया है, लेकिन दक्षिणी उद्योग वीरता को नहीं भूले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्में या रोम कॉम खराब है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के अपने निर्देशकों को क्यों भूल गए हैं? बिहार, झारखंड, राजस्थान, जो हमारे दर्शकों का एक बड़ा वर्ग मानते हैं, बनाते भी हैं। मुझे उम्मीद है कि हिंदी फिल्म उद्योग में यह चलन वापस आएगा। पहले हमारे पास अलग अलग निर्माता और फाइनेंसर थे जिन्हें फिल्म स्टूडियो के निगमीकरण से समाप्त कर दिया है। कॉर्पोरेटाइजेशन अच्छा है, लेकिन इससे फिल्मों में हमारे स्वाद में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। आपके इसके ऊपर क्या व्यूज़ हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ। का डब आर्टिस्ट कैसे सेलेक्ट हुआ? वो आर्टिस्ट जिसने डब करी केजीएफ चैप्टर 2। कब क्रॉस करेगी ये फिल्म 1000 करोड़? केजीएफ अब एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी बन चुकी है। रिसेंटली कुछ सालों से केजीएफ चैप्टर 2 की बस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। केजीएफ चैप्टर 1 2018 में रिलीज हुई, जिसमें साउथ के सुपरस्टार यश थे और उनके साथ एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी थी। थिएटर में मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से मूवी बहुत फेमस हुई। उसके बाद मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो में आई और वहां बहुत लोगों ने देखी ये फिल्म। इस मूवी के चैप्टर 2 के लिए फैंस ने बहुत वेट किया और जब उन्हें पता चला कि इस मूवी में बॉलीवुड के एक्टर संजय दत्त और एक्ट्रेस रवीना टंडन भी काम कर रही है, तब मूवी की हाइप और बढ़ गई। केजीएफ मूवी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी फिल्म ने इतना नाम किया हो। केजीएफ चैप्टर 2 ऑलरेडी बहुत रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और कंटिन्यूअसली आगे बढ़े जा रही है। बॉक्स ऑफिस में पैसे कमाए जा रही है और रिकॉर्ड्स ब्रेक करे जा रही है। केजीएफ फ्रेंचाइजी बहुत सक्सेसफुल रही है। चलिए और चीजें जानते हैं अब इस फिल्म के बारे में। केजीएफ चैप्टर 2 के हिंदी वर्जन में फैंस को यश की आवाज और यश के डायलॉग्स बहुत पसंद आए थे, बट एक्चुअल में वो वॉइस यश की नहीं थी और वो आवाज मुंबई के सचिन गोले की थी। सचिन गोले ने पहले काफी मूवीज के लिए डब किया हुआ है और काफी अलग अलग एक्टर्स की आवाज भी डब करी है, जैसे धनुष, किच्चा सुदीप और रजनीकांत की पुरानी फिल्मों के लिए। मूवी में एक वॉयलेंस वॉयलेंस करके एक बड़ा डायलॉग था जो फैंस को बहुत पसंद आया है।
सचिन गोले ने रिवील किया है कि इस डायलॉग के लिए उन्हें 15 से लेकर 20 बार टेक्स लेने पड़े इस डायलॉग को परफेक्टली डिलीवर करने के लिए। साथ ही में ये भी पता चला है कि सचिन गोले को खुद फिल्म के स्टार यश ने पिक किया था और पहला ऐसा डिसाइड नहीं था कि फिल्म हिंदी में भी डब होगी, बट बाहुबली को देखकर केजीएफ की टीम ने भी डिसाइड किया था कि ये फिल्म हिंदी में डब होगी और फ्रेंचाइजी को यश के लिए ऐसी आवाज चाहिए थी जो ज्यादा पतली या ज्यादा हैवी ना हो और ऐसा आर्टिस्ट हो जिसकी वॉइस में वो मुंबई का एसेंट हो। सचिन गोले ने पहले भी यश की फिल्म्स के लिए डब किया हुआ है और जब फ्रेंचाइजी ने सचिन गोले की आवाज सुनी उन्होंने सचिन गोले को ही सिलेक्ट कर लिया। केजीएफ चैप्टर 2 बहुत अच्छे रन पर है और मूवी 14 अप्रैल को रिलीज हुई थी। 26 अप्रैल तक इस फिल्म ने 900 करोड़ कमा लिए थे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से और ऐसा एस्टिमेटेड है कि इस वीक के एंड तक फिल्म 1000 करोड़ क्रॉस कर लेगी और उन अलाइड फिल्म्स जैसे दंगल, बाहुबली 2 और RRR के साथ लिस्ट में आएगी। क्या KGF चैप्टर 2 ने फाइनली 1000 करोड़ क्लब में एंट्री? आखिर अब बॉलीवुड की किन फिल्मों से है लोगों को ऐसी उम्मीदें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, KGF फैंस को जिस घड़ी का इंतजार था आखिरकार वो आ गई है और फाइनली KGF चैप्टर 2 ने 1000 करोड़ी क्लब में एंट्री मार ली है। और रॉकी भाई ने सही ही कहा था, द वर्ल्ड इज माई टेरिटरी, तो भाई को सलाम करने का मौका आ चुका है। 18 दिनों में 1023 करोड़ की बम्पर कमाई कर ली है फिल्म ने। इसी के साथ जहां वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ी क्लब में शामिल होने वाली ये चौथी इंडियन फिल्म बन गई है, वहीं ये पहली कन्नड़ फिल्म होगी जिसने ये मुकाम हासिल किया। रविवार को हिंदी से लेकर कन्नड़ तक KGF चैप्टर 2 की कमाई में 20-25% की बढ़ोतरी हुई थी। 18वें दिन यानी कि रविवार को इसने वर्ल्ड वाइड 27 करोड़ का कलेक्शन किया। सिर्फ हिंदी वर्जन में इस फिल्म ने 360 करोड़ की कमाई कर ली। हिंदी वर्जन से फिल्म ने रविवार को 9 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जबकि शनिवार को इसकी कमाई हिंदी में 7 करोड़ रुपए हुई। और हाल ही में रिलीज हुई हीरोपंती 2 और रनवे 34 तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही KGF चैप्टर 2 के सामने। जहां पर KGF अपने 18वें दिन भी अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, वहां अपनी ओपनिंग डे में भी हीरोपंती 2 और रनवे 34 ये कमाल नहीं कर पाई। और इसी के साथ बॉलीवुड में लगातार खतरा मंडरा रहा है क्योंकि कोई भी फिल्म इस मुकाम को हासिल करने में कामयाब नहीं हो पा रही। यहाँ तक कि टाइगर श्रॉफ भी बड़े सुपरस्टार हैं, उनकी फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। और वहीं अजय देवगन की रनवे 34 से भी उम्मीदें थी, वो भी कुछ खास नहीं कर पा रही। ऐसे में अब उम्मीद है बॉलीवुड के खान से, यानी कि शाहरुख खान और सलमान खान। शाहरुख खान जहाँ पठान के साथ तहलका मचाने को तैयार है, वहीं टाइगर की टाइगर 3 आने वाली है। वहीं दोस्तों, पठान में टाइगर नज़र आएंगे और टाइगर में पठान, यानी कि ये दोनों फ्रेंचाइजी एक दूसरे से कनेक्टेड होने वाली है। और यशराज ने तैयारी कर ली है कि भाई अब बॉलीवुड में कुछ खास करने का वक्त आ गया है, वरना तो बॉलीवुड की लुटिया ही डूबने वाली है। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या बॉलीवुड की टाइगर 3 और पठान कब आ पाएगी 1000 करोड़? नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, इस फ्राइडे का दिन काफ़ी अहम था फिल्मों के लिए। ये वीकेंड काफ़ी डिसीजन भरा होने वाला है, ईद का मौका और वीकेंड लंबा है। ऐसे में जो फिल्म इस मौके को भुना ले जाएगी वो आगे भी कामयाब रहेगी। बॉक्स ऑफिस पर पहले से यश और संजय दत्त की फिल्म KGF 2 राज कर रही थी और इसे टक्कर देने के लिए 29 अप्रैल को अजय देवगन की रनवे 34 और टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 भी रिलीज हुई। देखने वाली बात कि क्या KGF 2 इन फिल्मों का सामना कर पाएगी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी भी डटी रही। फिल्म ने इन दोनों बड़ी फिल्मों के बाद भी ठीक ठाक कलेक्शन करना जारी रखा। यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 ने 16वें दिन 4.25 करोड़ की कमाई की। अब इस फिल्म का ओवरऑल कलेक्शन हो गया है 353 करोड़, वाव। जबकि इससे पहले थर्सडे को फिल्म ने 5.68 करोड़ का कलेक्शन किया, बुधवार को 6.25 करोड़ का। देखना होगा कि फिल्म आगे के वीकेंड में कैसा रिस्पॉन्स करती है। अजय देवगन की फिल्म ने पहले दिन करीब करीब 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया है, लेकिन फिल्म को क्रिटिक्स से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे चलकर फिल्म से उम्मीदें की जाए। कई क्रिटिक्स ने फिल्म को 4 रेटिंग दी, तो वहीं टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने पहले दिन 8 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया। ऐसे में KGF चैप्टर 2 के पास हिंदी में एक और वीकेंड मिल गया, लेकिन इस पर काफ़ी टक्कर होने वाला है।
आर पार की लड़ाई है। या तो अब धीरे धीरे केजीएफ चैप्टर 2 का क्रेज लोगों में खत्म होगा, या तो रनवे 34 और हीरोपंती 2 बॉक्स ऑफिस पर पिट जाएंगी। वेल, देखा जाए टाइगर श्रॉफ की फिल्म को, हीरोपंती 2 को, तो फिल्म को बहुत ही मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। वहीं अजय देवगन की फिल्म को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है लोगों से। अब देखना है कि बॉक्स ऑफिस पर क्या होता है 3 दिनों में। ये दोनों ही फिल्में कितना जलवा दिखा पाती हैं, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। वो बनाएगा तीसरा पार्ट, बड़े लेवल पर फिल्म बनाना जानते हैं प्रशांत। कन्नड़ सुपरस्टार यश की केजीएफ 2 रिलीज हो चुकी है। केजीएफ चैप्टर 2 को शानदार रिव्यूज मिले हैं और फैंस इस फिल्म के लिए इतने एक्साइटेड हो गए हैं कि वो केजीएफ 3 की डिमांड करने लगे हैं। इतना ही नहीं, ट्विटर पर केजीएफ चैप्टर 3 हैशटैग ट्रेंड होने लगा है। फिल्म निर्देशक प्रशांत नील और यश से लगातार पूछ रहे हैं कि वो कब केजीएफ 3 को लेकर आ रहे हैं। बता दें केजीएफ चैप्टर 2 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म की रेटिंग शानदार रही है। इतना ही नहीं, केजीएफ 2 ने अब तक के कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। केवल हिंदी में करीब 60 करोड़ की कमाई के साथ केजीएफ 2 ने खाता खोला। वहीं देश भर के कलेक्शन से इस फिल्म ने 100 करोड़ के पार का बिजनेस कर लिया है। अब फैंस इस फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें प्रशांत नील ने अपनी फिल्मों से ये तो प्रूव कर दिया कि वो एक अच्छी कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाना बखूबी जानते हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी दिखा दिया कि वो अपनी फिल्मों को बड़े लेवल पर भी बनाना जानते हैं। अब जिस फ्रेंचाइजी के दो हिस्सों ने देश भर में ऐसा तहलका मचाया है, उस फिल्म के तीसरे हिस्से से भी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, और इसलिए फैंस भी उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस बार फिर से धमाल हो जाए कुछ। आपको बता दें केजीएफ फ्रेंचाइजी प्रशांत नील का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और इसलिए भी वो इस फिल्म से बहुत लगाव रखते हैं और इस फिल्म का तीसरा भाग बनाना चाहते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि फिल्म का तीसरा पार्ट भी रिलीज होगा, और हो सकता है कि इसके तीसरे हिस्से के लिए हमें कम इंतजार करना पड़े, क्योंकि एक साल की देरी से रिलीज होने के समय क्या पता इस फिल्म के तीसरे हिस्से की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें केजीएफ 2 फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया गया था, तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के तीसरे हिस्से को और भी ग्रैंड लेवल पर बनाया जाएगा। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए, कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बारे में है संजय दत्त का कैरेक्टर, अधीरा के किरदार को कितनी शक्तियाँ मिलेंगी, क्या गब्बर की पदवी अधीरा छीनने को तैयार है? संजय दत्त 60 साल का मैन चाइल्ड, बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड और तमाम तरह के नाम। 2018 के दिसंबर में एक फिल्म आई थी केजीएफ, इसका फुल फॉर्म हुआ कोलार गोल्ड फील्ड्स। कन्नड़ सिनेमा इतिहास की सबसे सफल फिल्म, जिसकी ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ के पार थी। फिर हिंदी में डब होकर रिलीज होने वाली फिल्मों में बाहुबली फ्रेंचाइजी और 2.0 के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये सारी अचीवमेंट कहानी के एक टुकड़े को मिली है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जिस फिल्म में बीच हुई कहानी दिखाई जाएगी, उसके नाम केजीएफ चैप्टर 2 अब बात आती है इस सब से संजय दत्त के कनेक्शन की। तो ये हम जानते हैं कि संजय फिल्म में अधीरा का किरदार करने वाले हैं, लेकिन अब बात आती है जब केजीएफ में अधीरा था ही नहीं तो ये कहां से जन्मा? दत्त इससे पहले अग्निपथ में कांचा चिना जैसा बेवत्तर किरदार निभा चुके हैं। केजीएफ 2 के बारे में बात करते हुए संजय दत्त ने एक मीडिया इंटरकनेक्शन से बताया था कि उनका ये किरदार एवेंजर्स एंड गेम के सुपर विलन थेनोस की नकल पर नहीं बनाया गया है, क्योंकि जब से मेरी यानी अधीरा के पोस्टर आए हैं, जब से तब से इस किरदार को थेनोस से ही कंपेयर कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि इस किरदार की अपनी एक अलग पहचान है। अगर आप सब ऐसे कहोगे तो इसे बुरा लगेगा और सजा रॉकी भुगतेगा। हमारा कहने का मतलब है कि बेटा सो जा, गब्बर आ जाएगा, कि पदवी अब अधीरा को दे दी जाएगी। अब सबकी माँ कहाँ करेगी कि बेटा सो जा, अधीरा आ जाएगा। लेकिन आजकल के बच्चे इतने होशियार हैं कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता, बल्कि उन्हें ये सब देखना काफी पसंद है। यही कारण है अधीरा के रोल को ऐसे प्रोट करने के लिए फिर एक वर्ग के लोगों को यह पसंद आए। आपको क्या लगता है, क्या आजकल के बच्चे अधीरा से डरेंगे या अधीरा के किरदार को एंजॉय करेंगे? हम रवीना टंडन से
पहले कौन कौन एक्ट्रेसेस निभा चुकी है प्रधानमंत्री का किरदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, यस स्टारर केजीएफ चैप्टर 2 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली है और इसमें रवीना टंडन का बहुत ही अहम किरदार होने वाला है। वो भारत की प्रधानमंत्री बनी है रमिका सेन। वही दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे बहुत से एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने इससे पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया। चलिए इस बारे में आपको बताते हैं। साल 2015 में आई नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे की फिल्म माझी द माउंटेन मैन में दीपा शाही बनी थी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इस रोल को काफी ज्यादा पसंद किया गया और इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी वही थी सुप्रिया विनोद, जो कि कुछ तो है से अपने करियर की शुरुआत करी थी। और मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार में बनी थी इंदिरा गांधी। ये फिल्म 1975 के इमरजेंसी के दौरान भारत में घटी घटनाओं पर आधारित थी। वो अभिनेता से राजनेता बने एन टी रामा राव की बायोपिक में नजर आई, जिसमें इंदिरा गांधी का रोल उन्होंने प्ले किया था। अवंतिका अकरकर 2017 में आई सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म नूर से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाली अवंतिका को उनके लुक्स की वजह से बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इसीलिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर ठाकरे उन्हें मिली और उसमें वो बनी थी पीएम इंदिरा गांधी। इस लिस्ट में किशोरी शाहने का नाम भी शामिल है। विवेक ओबराय स्टारर देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी में वो इंदिरा गांधी बनी और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना ये लुक शेयर किया। हालांकि इतना ज्यादा पसंद नहीं किया गया और सफलतापूर्वक इस रोल को नहीं निभा पाई। फ्लोरा जैकब का नाम भी शामिल है। साल 2018 में रेड फिल्म आई थी जिसमें वो इंदिरा गांधी बनी थी और काफी पसंद किया गया था। इसके बाद वो 2021 में तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की बायोपिक थलाइवी में भी पीएम के किरदार में नजर आई। वहीं पिछले साल आई अक्षय कुमार की बेल बॉटम में लारा दत्ता बनी थी इंदिरा गांधी। उनके लुक को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, वो हूबहू इंदिरा गांधी जैसी दिखाई दे रही थी। लोगों ने लारा के लुक की बहुत ज्यादा तारीफें की और मेकअप आर्टिस्ट भी उस टाइम बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा। वहीं दोस्तों, अजय देवगन की 2021 में आई फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया में नवनी परिहार बनी थी इंदिरा गांधी। फिल्म में उनकी भूमिका थोड़ी देर की ही थी लेकिन उसके बावजूद भी वो पर्दे पर छाप छोड़ गई लेडी पीएम के रोल में। उनकी एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफें की गई। अब बारी है रवीना टंडन की, जो कि लेडी पीएम बनी है केजीएफ चैप्टर 2 में। उन्होंने अपने किरदार के बारे में बोला कि ये बहुत ज्यादा इंटेंस किरदार होने वाला है जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। फैंस भी वेट कर रहे हैं उन्हें पर्दे पर देखने का। आप कितना इंतजार कर रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राडो स्टूडियोस। कन्नड़ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म केजीएफ 2 जल्दी थिएटर्स में धमाका करने वाली है। इस फिल्म को लेकर हिंदी सिने दर्शकों के बीच खासा क्रेज है। ताबड़तोड़ एडवांस बुकिंग के आंकड़े दर्ज करवा रही है, जबकि दूसरी लैंग्वेज में भी फिल्म बम्पर ओपनिंग की तैयारी में है। इन सब के बीच सुपरस्टार यश इन दिनों फिल्म केजीएफ 2 के जबरदस्त प्रमोशन में बिजी है। दोस्तों, देखा जाए तो सलमान खान ने एक बहुत ही मिलियन डॉलर का सवाल पूछा था लोगों से, वो भी साउथ इंडस्ट्री के लोगों से, जिसका आज जवाब खुद साउथ के एक्टर यश ने दिया है। दरअसल फिल्म डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर के ग्रैंड प्रमोशन के वक्त सलमान खान भी एक इवेंट का हिस्सा बने थे। उन्होंने डायरेक्टर एसएस राजामौली की इस फिल्म की जमकर तारीफ की थी। साथ ही उन्होंने हैरानी जताते हुए पूछा था कि साउथ सिनेमा की फिल्में इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर रही हैं, मगर हमारी फिल्में साउथ में आखिर क्यों नहीं चलती। सलमान खान के इस सवाल ने कई दिनों तक मीडिया में सुर्खियां बटोरी थी, जब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान के इस क्वेश्चन का जवाब केजीएफ फेम एक्टर यश से पूछा गया। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है, हमारी फिल्में भी यहां नहीं चलती थी। फिर दुनिया के दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है, इस पर लोगों ने डब वर्जन बनाने शुरू किए, जिसके बाद लोग जो कंटेंट हम बना रहे हैं इससे परिचित हो गए। मुझे लगता है कि शुरुआत में डब वर्जन एक मजाक की तरह लिया गया, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, कोई इसे खास तवज्जो नहीं देता था, मगर इससे लोग हमारी फिल्मों हमारे कंटेंट से फैमिलियर हो गए। ये सब रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे एक कड़ी मेहनत लगी। वेल दोस्तों, बात तो सही है, हम लोगों को याद है कि हम लोग साउथ की फिल्में देखा करते थे और कितना मजाक उड़ाया करते थे कि कैसे एक एक्टर लात मारकर पूरी ट्रेन को पीछे कर सकता है। फिल्में ऐसे बहुत से सीन्स होते थे जिनका हम मजाक उड़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और स्टोरी टेलिंग का जरिया बदला, आज हम साउथ की फिल्मों को बहुत ज्यादा देखना पसंद करते हैं। यश ने बदलते वक्त के लिए डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली को क्रेडिट दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है
कि ऐसा उस तरफ भी होना चाहिए। अब वो इसे कर रहे हैं, लोग अलग सिनेमा देखते हैं, भले ही इसकी संख्या कम है लेकिन ये बाजार बहुत बड़ा है। इन चीज़ों से कैसे जुड़े, हमारी संस्कृति में बहुत अंतर है, लेकिन वो हमारी कमजोरी बनने के बजाय हमारी ताकत बने। अगर वो अपना ज्यादा समय हमें दे सकते हैं तो हमें कुछ रिलेटेबल बनाना चाहिए। बहुत सारी नॉर्थ इंडियन फिल्में हैं जो बड़े पैमाने पर हिट हैं। हमने बॉलीवुड स्टार्स की बहुत सारी फिल्में देखी हैं, हम सभी उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन बाजार की संभावनाएं क्या है? मुझे लगता है मार्केट बहुत बड़ा है और इसमें काफी क्षमता है, और सलमान सर उस पहलू में सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम देखते नहीं हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, लेकिन बात यह है कि उन्हें फिल्म रिलीज करने के अलावा बाकी के पहलुओं को भी देखना चाहिए। आई एम टोटली एग्री विद यश। साउथ की संस्कृति बिल्कुल अलग है बॉलीवुड से, बहुत ही उलट। क्यों ना बॉलीवुड की फिल्मों में भी साउथ की थोड़ी बहुत स्टोरी मिलाई जाए, उनकी संस्कृति को मिलाई जाए, ताकि बॉलीवुड फिल्में भी साउथ के बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाए। आपको इस बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज। होने वाली है फिल्म KGF 2, ये एक मूवी से ज्यादा ब्रांड हो चुकी है। इस मूवी के पीछे की दीवानगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसे रोक पाना नामुमकिन है। दोस्तों, हमने रॉकी भाई की तो बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन इस बार हम बात करेंगे फिल्म के विलेन की, यानी संजू बाबा की। अगर सामने वाला कंपेटिटर है तगड़ा हो तो लड़ने में ज्यादा मजा आता है। आप सब तो इस बात से वाकिफ होंगे कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हमारे अपने संजू बाबा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन इसके बावजूद वो इस फिल्म की शूटिंग को टाइम से खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच उनके और मेकर्स के बीच में बहुत सारी जगह बहस भी हो गई। मेकर्स उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए उनसे बार बार ये अपील कर रहे थे कि वो जो एक्शन सीन्स की शूटिंग है वो ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड में करें, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना आए, लेकिन बाबा ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आज तक मैंने अपने करियर में ऐसे कुछ फेक नहीं किया और ना मैं आगे करना चाहूंगा, लेकिन मेकर्स उन्हें ये चीज करने पर बार 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 प्रेशर बना रहे थे। इस बार बाबा ने बोला कि अगर मैं बैकग्राउंड वाले सीन्स ही करने हैं तो मुझे इस फिल्म में रखने की जरूरत नहीं थी। जब मेकर्स ने बाबा का ये रूप देखा तो वो भी मान गए कि संजय बाबा से कोई जीत नहीं सकता, और फिल्म की शूटिंग वैसे ही हुई जैसे संजय बाबू बनाना चाहते थे। दोस्तों, फुकार लोगों के बीच में शूटिंग पर अपनी जी जान लगा देने वाले विलेन को लोग कितना ज्यादा पसंद करते हैं ये देखना अब तो बनता है। आप सब तो ये जानते ही हैं कि इस फिल्म के निर्देशन कौन कर रहा है, और उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टा लाइव पर आकर अपने फैंस से रूबरू हुए। उनके फैंस ने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, और सबसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन ये रहा था कि उनके फेवरेट एक्टर्स कौन कौन है। तो उन्होंने बताया कि उनके फेवरेट एक्टर्स में से एक है तलापति विजय। तो उनके फैंस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनको बस आप एक वर्ड में डिफाइन करिए। तो उन्होंने बोला कि ही इज अ पावर हाउस। अब इस पर ये सवाल उठता है कि अगर प्रशांत नील विजय को इतना ज्यादा पसंद करते हैं तो उन्होंने KGF के लिए यश को क्यों चुना? क्या तलापति ने मना कर दिया था ये फिल्म करने के लिए, या कुछ और ही बात है? वेल, ये सवालों के जवाब तो हमें भी नहीं पता, और अब ये सवालों के जवाब हमें किस तरीके से मिलेंगे ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। KGF चैप्टर 2 का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है, और लोग इससे चाहते हैं हर लैंग्वेज में रिलीज हो, लेकिन ऐसा करना जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं। लेकिन फिर भी मेकर्स ने फैंस की डिमांड पर इस फिल्म को 6000 स्क्रीन पर इंडिया में रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी, लेकिन मेकर्स ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि ये फॉरेन में कितने स्क्रीन पर रिलीज होगी। ये सब बातें तो हमें पता चल ही जाएंगी। आपका मार्क किया क्रॉस, प्री बुकिंग में चमके रॉकी भाई। लोग यश के जलवे देखने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, और इसलिए भी KGF के दूसरे पार्ट के लिए लोग एक्साइटेड हैं। KGF फिल्म ने यश के फिल्मी करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। यश फैंस के बीच रॉकिंग स्टार के नाम से भी काफ़ी पॉपुलर हैं। यश का असली नाम नवीन कुमार गौरा है। उन्होंने बहुत कम समय में ही कन्नड़ सिनेमा में अपनी पहचान बना ली है। हालांकि यश को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली उनकी फिल्म KGF चैप्टर 1 से। इस फिल्म को भारत के साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी पसंद किया गया था। यश के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते हैं, और उनके पिता बस ड्राइवर के रूप में काम करते थे। मैसूर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यश बैंगलोर अपने एक्टिंग ड्रीम को पूरा करने आए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नंदा गोकुला नाम के कन्नड़ टीवी सीरियल से की थी।
केजीएफ 2 को लेकर यश के फैंस बहुत एक्साइटेड हैं और केजीएफ चैप्टर 2 इस समय देश की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। रॉकी भाई के रूप में यश ये फिल्म अपने के साथ बॉक्स ऑफिस पर भारी सफलता के साथ चर्चा में है। लगता है सीक्वल बहुत बड़ा होने वाला है। 2018 में केजीएफ के पहले भाग ने कुछ बड़ी नंबर में रैंकिंग करके देश में धूम मचा दी। अब अच्छे सीक्वल के साथ केजीएफ 2 ने एक बड़ी बस कायम की है और अब ये मोस्ट अवेटेड फिल्म अपनी रिलीज की तारीख से कुछ ही दिन दूर है। हाल ही में केजीएफ चैप्टर 2 की प्री बुकिंग शुरू हुई थी। दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर हाइप नंबर्स में दिख रहा है क्योंकि अकेले हिंदी वर्जन में इम्प्रेसिव नंबर है। केजीएफ 2 ने करीब 1.07 लाख टिकट बेचे हैं और वो भी 12 घंटे के भीतर, और उम्मीद की जा रही है 3 करोड़ टिकट्स बेची जाएंगी। आपको बता दें कि केजीएफ फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के सीक्वल को और भी ग्रैंड लेवल पर बनाया जाएगा। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भी भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है। क्या होती है कैरेक्टर्स को अलग नाम देने की वजह? क्या है अधीरा का मतलब? राइटर्स कैसे डेवलप करता है कैरेक्टर्स? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। बंटी बबली चिंटू मिंटू लारा डोरा फलाना ढिमकाना, इसमें से आपका नाम है क्या? लेकिन आपका नाम क्यों रखा गया? क्यों आपके कजिन और आपका नाम अलग अलग है? सोचो सोचो, क्योंकि नाम हर इंसान की अपनी पहचान होता है, उसके नाम से ही लोग उसे बुलाते हैं। इसीलिए हम सब एक खास नाम और एक अलग आइडेंटिटी से पहचाने जाते हैं। ऐसे ही होता है फिल्मों में कैरेक्टर्स के नाम के साथ। क्या आपने सोचा है कि क्यों हर फिल्म हर वेब सीरीज में हर कैरेक्टर का नाम अलग होता है? एक फिल्म में अलग अलग किरदार होते हैं और सबका अलग अलग नाम क्यों? तो आपको बता दें कि जब भी राइटर कोई कहानी लिखता है तो उसके दिमाग में वो कहानी का स्क्रीन की तरह प्ले होती रहती है, या यूं कहें कि एक राइटर उस कहानी को फील करने लगता है। जब वो किसी कहानी को फील करता है तो उसके दिमाग में उस कहानी के कैरेक्टर्स अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं। जैसे कोई पान वाला चाय वाला है, उसका नाम प्रोबेबली फिल्मों और नाटकों में राजू श्यामू यही सब होते हैं, क्योंकि चाय वाले पान वाले स्वीट होते हैं, उन्हें कहां किसी से हथियार लेकर लड़ने जाना होता है। इसी तरह फिल्मों के हर कैरेक्टर को उसकी क्वालिटीज के हिसाब से नाम दिया जाता है। जैसे कोई बहुत शक्तिशाली है, फिल्म का सीरियस विलन है, तो उसे मोगैम्बो, शेरा आदि नाम दिए जाते हैं। वैसे ही एक नाम अभी काफी सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो है अधीरा। सुनने में ऐसा लग रहा है मानो कोई भारी भरकम इंसान जो काफी शक्तिशाली है। जी हाँ, आपने सही सोचा, यही नाम है केजीएफ 2 में आने वाली विलन का, जो आजकल अपने खूंखार अंदाज, कूल लुक और शक्तिशाली शख्सियत के लिए जाना जाता है। लेकिन शायद आपने ये नहीं सोचा होगा कि इस खूंखार लुक का अधीरा नाम कैसे रखा गया। तो आपको बता दें कि अधीरा के नाम का मतलब है एक मजबूत और बड़ी शख्सियत। अधीरा का किरदार फिल्म में काफी मजबूत है और साथ ही शक्तिशाली भी, जो आपको ट्रेलर देखकर अंदाजा भी हो गया होगा। जब अधीरा कहता है कह दो मैं आ रहा हूं अपनी केजीएफ लेने, उसकी शक्ति उसकी दमदार आवाज में नजर आ रही थी। शायद इसीलिए इसे ये नाम दिया गया, ताकि ये ना तो पुराना नाम लगे और आज का यूथ इसे खुद से कनेक्ट भी कर सके। बता दें केजीएफ फिल्म 2 में अधीरा का एक विलन की भूमिका में होगा, वहीं रॉकी उर्फ यश एक गैंगस्टर हीरो के किरदार में होगा। फिल्म में रवीना का भी एक अहम किरदार होने वाला है, जो 14 अप्रैल 2022 को सिनेमा में आने वाली है। वरुण तेज की फिल्म को झेलना होगा भारी नुकसान। कौन सी साउथ फिल्म में जल्द आने वाली है फैंस की एंटरटेनमेंट के लिए? दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस साल आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में, फिल्म की रिलीज और उसके साथ आने वाली दूसरी फिल्मों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 इस साल 14 अप्रैल पर आने वाली है और अब तो कुछ ही दिनों में फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज होने वाला है और सभी इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं। वहीं यश की केजीएफ चैप्टर 2 के साथ विजय थलापति और पूजा हेगड़े की डार्क एक्शन कॉमेडी और थ्रिलर फिल्म बीस्ट भी रिलीज होने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही फिल्म में सेम स्टाइल की और दोनों में ही तगड़ा एक्शन दिखने वाला है। साथ ही यश और विजय दोनों ही साउथ सुपरस्टार विद लॉयल फैंस हैं। दोनों का क्लैश होने वाला है। खबर यह है कि सुपर क्लैश से बचने के लिए और फैंस को एक फेयर चॉइस देने के लिए दोनों में से एक फिल्म एक वीक प्रीपॉन्ड हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो वरुण तेज की घनी जो 8 अप्रैल को रिलीज होने वाली है उसे क्लैश झेलना पड़ सकता है। आपको यह भी बता दें कि तेलुगु फिल्म घनी बहुत बार पहले भी पोस्टपोन हो चुकी है। अगर बीस्ट पहले रिलीज होती है
है तो घनी को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 प्रीपोर्ट होती है तो फिल्म को क्लैश के साथ साथ नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल तो मेकर्स कॉन्फिडेंट है और शायद इसलिए वो केजीएफ चैप्टर 2 जैसी बड़ी फिल्म को टेक ऑन करने के लिए भी रेडी है। दोस्तों साल 2022 फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इस साल थिएटर्स पूरी तरह से ओपन हुए हैं और साथ ही बड़े स्टार्स की बिग बजट फिल्में रिलीज होने जा रही है, पर ज्यादातर फिल्में साउथ की हैं। पुष्पा के बाद हाल ही में रिलीज हुई पवन कल्याण राणा दग्गुबाती के भीमला नायक और अजीत कुमार बली में रिलीज हुई और दोनों ने ही ऑडियंस को काफी इम्प्रेस किया हुआ है। और साथ ही मार्च में प्रभास की राधे श्याम, रामचरण और जूनियर एनटीआर की ट्रिपल आर जैसी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है। और उसके बाद अप्रैल में यस की केजीएफ चैप्टर 2, विजय स्टारर बीस्ट, प्रभास की सालार, RC-15 जैसी फिल्में 1x1 रिलीज होने वाली है। साथ ही केजीएफ चैप्टर 1 के धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद प्रशांत नील और यश से काफी उम्मीदें हैं फैंस को। साथ ही बॉलीवुड स्टार संजय दत्त और रवीना टंडन की फिल्म में एंट्री ने फिल्म का बस बढ़ाया हुआ है। केजीएफ चैप्टर 2 ने फिल्म मार्केट में एक ऐसी रेपुटेशन बना ली है कि फिल्म के प्रीपोर्ट या पोस्टपोन होने से इस फिल्म को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इस फिल्म के साथ रिलीज होने वाली बाकी की फिल्म्स को जरूर फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों आप इस साल आने वाली कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वापसी यश के लिए नहीं तो किसके लिए आएगा अधीरा? क्या हो सकता है फिर से गरुड़ा का राज? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दक्षिण भारतीय हिट फिल्मों की जब भी बात की जाएगी तो केजीएफ 2 का नाम जरूर आएगा। साउथ के फेमस हीरो यश ने रॉकी भाई के किरदार निभाकर कई रिकॉर्ड्स को तोड़ा है, लेकिन इस फिल्म में यश के अलावा अगर किसी और ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वो है केजीएफ का विलन। खतरनाक लुक से गरुड़ा ने सबका दिल जीत लिया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गरुड़ा का रोल निभाने वाले राजू असल जिंदगी में एक बॉडीगार्ड थे। साउथ के स्टार यश की केजीएफ चैप्टर 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म को लेकर शुरुआत से ही काफी बज बना रहा है और अब फिल्म के पहले पार्ट में विलेन रहे गरुड़ा सबको याद आ रहे हैं। गरुड़ा यानी कि रामचंद्र राजू ने 2018 में केजीएफ चैप्टर 1 से ही अपने करियर की शुरुआत की। पहली ही फिल्म में उन्होंने विलेन का रोल ऐसे दमदार तरीके से निभाया कि लोग कायल हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामचंद्र एक्टिंग की दुनिया में एंट्री लेने से पहले बतौर बॉडीगार्ड काम कर रहे थे। रामचंद्र अपनी पहली फिल्म के हीरो यानी कि यश के बॉडीगार्ड थे। फिल्म में रामचंद्र की परफॉर्मेंस देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये उनकी पहली फिल्म थी और उनका फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा दमदार थी कि लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। रामचंद्र राजू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक्टर बनेंगे, लेकिन असलियत कभी कभी सपने से हसीन होती है। फिल्मों में आना भी उनके लिए एक इत्तेफाक ही था। दरअसल केजीएफ के राइटर स्क्रिप्ट डिस्कस करने के लिए यश के पास पहुंचे थे। यहां उन्होंने रामचंद्र को देखा और उन्हें देखते ही गरुड़ा के किरदार में फिट कर दिया। राइटर ने रामचंद्र को एक बार ऑडिशन देने को कहा और फिर उनका रोल पक्का हो गया। लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है, ट्विस्ट ये है कि जो गरुड़ा सबको लगता है कि मर गया, लेकिन वो मरा ही नहीं हो। तो जी हाँ, गरुड़ा की वापसी हो रही है केजीएफ 2 में, लेकिन केजीएफ 2 के राजा के रूप में नहीं, बल्कि वहाँ के दास और गुलाम के रूप में। अब गरुड़ा अपनी ही सोने की खान में काम करेगा और वही अनुभव लेगा जो वो लोगों को आज तक देता रहा था, ताकि उसको भी पता चल सके कि इंसान की जान कितनी कीमती होती है। इसीलिए अधीरा की एंट्री होगी, जो अपने भतीजे को छुड़ाने आएगा, लेकिन खुद ही राजनीति कर जाएगा। और इसके भैया कहते हैं कि इसे राजनीति नहीं आती। तो आपको क्या लगता है, क्या गरुड़ा की होगी वापसी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। केजीएफ की कौन सी है वो किरदार जिसके डायलॉग ने पूरी मूवी को पलट दिया था? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ केजीएफ चैप्टर 2 से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दर्शकों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं तो तुम सिर्फ जंग जीतोगे, लेकिन अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली और तुम सामने खड़े हो तो तुम पूरी दुनिया जीत लोगे। केजीएफ की कहानी शुरू एक छोटे से बच्चे से हुई थी। उसकी छोटी सी मुट्ठी में तब सिक्कों की खनक भले ही कम थी, लेकिन जिगर में पूरा समंदर था। वो हीरो नहीं बनना चाहता था, बनना था तो विलेन। ये छोटा सा पौधा कब कोलार गोल्ड फील्ड के लिए बरगद बन गया किसी को खबर नहीं लगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इस पौधे के बीज को जिस माँ ने सींचा था उसके सिर्फ एक डायलॉग ने पूरी मूवी को पलट दिया था।
अगर अपने आखिरी वक्त में उस माँ ने अपने बेटे रॉकी से जीत कर आने की कसम नहीं ली होती तो मिट्टी से सनी खदान में सोने सा चमकता रॉकी भाई पैदा नहीं होता। किरदार छोटा था लेकिन असरदार था। ये किरदार निभाया 27 साल की कन्नड़ एक्ट्रेस अर्चना रोवेस ने। रॉकी की माँ का किरदार निभाने वाली अर्चना ने अपने किरदार से खूब सुर्खियाँ बटोरी थी। आइए आपको बताते हैं अर्चना रोवेस की प्रोफाइल के बारे में, जिन्होंने अपने चंद मिनटों के किरदार से सभी का ध्यान आकर्षित किया था। KGF चैप्टर 1 ने साउथ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिनेमा पर खास छाप छोड़ी थी। 250 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करने वाली सुपरस्टार यश की KGF के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। कोलार की सोने की खदानों को लेकर कन्नड़ मूवी KGF ने धूम मचा दी थी। KGF की कहानी, किरदार, मूवी का केंद्र से लेकर हर कलाकार खूब लोकप्रिय हुआ था। अब मूवी के दूसरे पार्ट की बात करें तो बाहुबली फ्रेंचाइजी के बाद एक्टर यश स्टारर मूवी KGF चैप्टर 2 निश्चित रूप से इस साल रिलीज होने वाली सबसे मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया सीक्वल में से एक है। एक्शन से भरपूर ड्रामा KGF चैप्टर 2 को देखने के लिए दर्शकों का उत्साह काफी बढ़ गया है और ऐसा लगता है कि मूवी के सिनेमा घरों में हिट होने से पहले ही मेकर्स और फैंस के बीच ये एक्साइटमेंट बढ़ने वाला है। दरअसल दर्शकों, KGF चैप्टर 2 के मेकर्स मूवी का ट्रेलर रिलीज करने से पहले फैंस को उत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यश स्टार मूवी के एक नए पोस्टर के साथ मेकर्स ने मूवी की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है, जिसके अनुसार मूवी 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी और इसका ट्रेलर रिलीज होगा 27 मार्च 2022 को। काश की अपकमिंग मूवी KGF चैप्टर 2 चैप्टर 1 से कितनी अलग होगी, या संजय दत्त का किरदार पड़ेगा यश पर भारी, या रवीना टंडन का किरदार पलट देगा पासा। इतिहास हमें बताता है कि ताकतवर लोग ताकतवर जगहों से आते। दोस्तों, इतिहास गलत था, ताकतवर लोग जगह को ताकतवर बनाते हैं। KGF चैप्टर 2 के टीजर को रिलीज हुए एक साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन फैंस के दिलों में ये डायलॉग आज भी गूंज रहा है, और वो भी क्यों ना। आखिर KGF चैप्टर 1 ने जिस लेवल का एंटरटेनमेंट दर्शकों को दिया, उसे भला कैसे भुलाया जा सकता है। 2018 में रिलीज हुए कन्नड़ फिल्म KGF को दर्शकों ने इतना प्यार दिया कि हर एक की जुबान पे रॉकी का किरदार निभाने वाले एक्टर यश का ही नाम था। लेकिन अब लगभग 4 साल बाद इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि KGF के मेकर्स ने KGF चैप्टर 2 की फाइनल ट्रेलर मूवी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है, जिसमें ट्रेलर 27 मार्च और मूवी 14 अप्रैल तक रिलीज होगी। हालांकि इससे पहले भी फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने को जरूर मिलने वाली है। KGF चैप्टर 1 की तरह इस फिल्म का लेखन और निर्देशन डायरेक्टर प्रशांत नील ने किया और ये होमेबल फिल्म्स के बैनर के तले बनी है, जिसे तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। अब इस फिल्म में हमें KGF चैप्टर 1 के आगे की कहानी दिखाई जाएगी, जिसमें फैंस को कई नए और ताकतवर किरदार देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा बाज है संजय दत्त के कैरेक्टर अधीरा का, जो देखने में किसी योद्धा से कम नहीं लगते। और इस फिल्म में हमारे फेवरेट कैरेक्टर रॉकी के साथ अधीरा का हैंड इन हैंड कॉम्बैट देखने को मिल सकता है और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मूवी में रॉकी का सबसे ताकतवर दुश्मन होगा। यश के अपोजिट श्रीनिधि शेट्टी है, जो रीना का किरदार निभा रही है, और टीजर से हमें पता चलता है कि उनकी कैरेक्टर को इस मूवी में भी और डेप्थ दी गई है। वहीं प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन के किरदार में रवीना टंडन के लुक को भी खूब सराहा जा रहा है, और खबरों की माने तो वो इस फिल्म में एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि रॉकी को रोक सकती है। अब इस फिल्म में रॉकी के इतने सारे विलन्स हैं कि उंगलियों में गिनना मुश्किल होगा। उनमें से एक नाम इनायत खलील का किरदार निभाने वाले कलाकार बालकृष्णा का भी है, जो इस पार्ट में रॉकी को कड़ी टक्कर देंगे। दर्शकों में इस बात को लेकर उत्साह है कि इतने सारे अपोनेंट्स के होते हुए भी कैसे रॉकी KGF की कमान अपने हाथ में रखेंगे और अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा करेंगे। रोमांस और एक्शन से भरपूर इस फिल्म का पूरा बजट 100 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा है, और ऑडियंस के क्रेज को देखकर लगता है कि ये फिल्म भी पार्ट 1 की तरह ब्लॉकबस्टर साबित होगी। सालों से फैंस अपने फेवरेट कैरेक्टर रॉकी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब है।
कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है, पर अब ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि मेकर्स इस इंतजार को किस तरह बुनने में कामयाब रहते हैं। पार्ट वन में रॉकी को जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इससे कई ज्यादा चुनौतियां पार्ट टू में उसका इंतजार कर रही है। पर जो भी है, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। क्या अच्युत कुमार की थी केजीएफ पहली हिट फिल्म? क्यों अच्युत कुमार को है ये फिल्म पसंद? हाय एवरीबॉडी, दिस इज साची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग मीडिया। आजकल जिस फिल्म के हर जगह चर्चे हो रहे हैं वो है फिल्म केजीएफ चैप्टर 2। और भला हो भी क्यों ना, क्योंकि इसकी पहली पार्ट लोगों को इतनी पसंद आई, उसकी कहानी भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई और इसलिए लोग अब इंतजार कर रहे हैं तो बस केजीएफ चैप्टर 2 का। वैसे इस फिल्म में भी आपको वो हर एक कैरेक्टर दिखाई देगा जिसकी वजह से ये फिल्म हिट साबित हुई थी। वैसे इस फिल्म में भी गुरु पंडियन का किरदार आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। जो बदलाव देखने को मिलेगा वो ये हो सकता है कि उनका कैरेक्टर बीच में ही खत्म हो जाए या यूं कह ले कि उनकी मौत हो जाएगी। अब ऐसा करना तो फिल्म की कहानी की डिमांड है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि उनके कैरेक्टर की पावर खत्म हो जाएगी। अब खत्म होगा भी कैसे, क्योंकि उनके किरदार को उसी तरह देखेंगे जैसे केजीएफ चैप्टर 1 में हमने देखा था। अब देखना ये है ऑडियंस अच्युत कुमार को कितना पसंद करते हैं। बात करें फिल्म की तो ये एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में यश, श्रीनिधि, प्रकाश राज, गए थे यश उडुपी? कहाँ खेला यश ने क्रिकेट? कहाँ है उडुपी जिला? किस स्टूडियो में बना है केजीएफ 2 का संगीत? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। कर्नाटक के उडुपी जिले के तटीय शहर कुंडापुर में केजीएफ 2 स्टार यश की स्थानीय लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते हुए वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और सभी की सराहना हो रही है। बता दें, यश, निर्देशक प्रशांत नील और निर्माता किरंगादूर की फिल्म केजीएफ 2 के गानों को अंतिम रूप देने के लिए कुंडापुर स्थित संगीत निर्देशक रवि बसरूर के स्टूडियो में थे। लेकिन क्या आपको पता है कहाँ है उडुपी जिला? बता दे, ये भारत के कर्नाटक राज्य का एक जिला है। जिले का मुख्यालय उडुपी है। जिला अरब सागर के तट के किनारे पर बना हुआ है और मंगलूर से उत्तर में पड़ता है। यहाँ प्रसिद्ध मणिपाल शैक्षणिक संस्थान है जो शहर के आसपास फैला है। धार्मिक परंपरा में द्वैत सिद्धांत का प्रवर्तन और कार्यभूमि यही नगरी रही है। भारत में अभी भी कई ऐसे जिले और राज्य हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन इंडियन सिनेमा हमें इससे अवगत कराता है। आज सिर्फ सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कि कई सारी जरूरी बातों को हम तक पहुंचाने का एक सहारा बन गया है, जिसका उदाहरण ये जिला है। वैसे बता दे, यश एंड टीम ने काम से समय निकालकर रवि बसरूर के स्टूडियो के बगल में मैदान में लड़कों के साथ क्रिकेट खेला। यश की खेल भावना की काफी सराहना की गई क्योंकि उन्होंने एक प्रोफेशनल की तरह बल्लेबाजी की और स्वैग के साथ विकेटों के बीच दौड़े। साथ ही केजीएफ 2 की टीम ने विशेष पूजा अर्चना करने के लिए प्रसिद्ध कोलूर मुकाम्बिका मंदिर का दौरा किया और देवी से आशीर्वाद मांगा। टीम ने अनेगुड्डा मंदिर में भी पूजा अर्चना की। बता दे, फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज के लिए तैयार है, जिसकी कहानी रमिका सेन की कुर्सी से शुरू होते हुए अधीरा के महल तक जाएगी, लेकिन अधीरा और रमिका की मुलाकात पूरी फिल्म में कहीं भी नहीं होगी। दोनों ही फिल्म में काफी पावरफुल दिखाए हैं और पावरफुल लोगों का कभी आमना सामना नहीं होता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों के शूटिंग टाइम और शेड्यूल की वजह से फिल्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। किस फिल्म से क्लैश होते होते बच गई?
क्या कनेक्शन है संजय दत्त का रॉकी नाम से? क्या अब नहीं चलेगा नौरा का जादू? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। यश खन्नर के सुपरस्टार तो है ही, पर अब देश की शान बन चुके हैं और ये सब उनकी मेहनत और ऑडियंस के प्यार का नतीजा है। दोस्तों 2004 से उन्होंने एक कन्नड़ सीरियल से अपना सफर शुरू किया और आज वो केजीएफ स्टार के नाम से बुलाए जाते हैं। दोस्तों सब तरफ उनका क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। दर्शक तो उनकी एक झलक देखकर ही पागल हो रहे हैं। उनकी फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 ने तो जबरदस्त धमाका कर ही दिया है, पर अब फिर से एक बार पार्ट 2 के साथ वो हाजिर होंगे दर्शकों के सामने। वैसे आपको एक बात बताएं, दरअसल दोस्तों रॉकी नाम के साथ संजय का एक पुराना रिश्ता है, कह सकते हैं ये नाम उनके लिए काफी लकी भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आपको बता दें कि उनकी डेब्यू फिल्म का नाम भी रॉकी था जो कि उस समय काफी सुपरहिट रही थी और अब वो इस फिल्म में भी अपना दमदार परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, तो हुआ ना जबरदस्त कनेक्शन। लेकिन दोस्तों फिल्में बस इसी से नहीं चलती हैं, दर्शकों को मसाले के लिए कुछ तड़कता भड़कता डांस नंबर भी चाहिए होता है। अब ऐसे में दोस्तों महबूबा गाने पर अपना सिजलिंग अंदाज दिखाने वाली हैं नौरा फतेही का डांस तो दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा चुका है। उनके बेली डांस के काफी दीवाने देखने को मिलेंगे, पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सारे गानों में उनका एक ही अंदाज देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा बोरिंग हो चुका है। इससे कुछ हटके करने की दर्शकों की मांग है और फिर आइटम सॉन्ग की रेस में मलाइका अरोड़ा, मौनी रॉय, राखी सावंत जैसी कई मशहूर अदाकारा भी तो शामिल हैं, जो कुछ अलग कमाल दिखा सकती हैं। और तो और दोस्तों अब तो फिल्म पुष्पा से समांथा ने भी साबित कर दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं है, इस बार तो कुछ हटके देखने को मिलेगा ही, ऐसी दर्शकों को आशा है। और एक खुशखबरी जानना चाहते हैं, तो पहले तो आपको पूरी कहानी बताते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं रिलीजिंग डेट को लेकर सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि टॉलीवुड में भी काफी सारी मुसीबतें आ रही हैं, जैसे कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी उसी समय आ रही है, पर साउथ सुपरस्टार थल्लापति विजय की आने वाली फिल्म बीस्ट जो 14 मार्च को रिलीज होने वाली थी उसे मेकर्स ने किसी दूर कहा आमिर के भाई फैजल खान ने फिल्मों के क्लैशेस के ऊपर, किसको दी पुनीत राजकुमार ने बधाइयां। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। कैसे हैं आप सब लोग? हम जानते हैं कि जब से केजीएफ 2 का ट्रेलर पोस्टर रिवील हुआ है आपके लिए इंतजार करना थोड़ा मुश्किल है, पर कोई नहीं दोस्तों, अब काफी कम समय बचा है फिल्म को रिलीज होने में, तब तक के लिए हम कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। केजीएफ की सक्सेस के बाद डायरेक्टर प्रशांत नील ने सेकंड पार्ट बनाने का फैसला किया था और आप लोगों का इतना सारा प्यार देखकर उन्हें काफी खुशी हो रही है और यकीन भी है कि दर्शक इस फिल्म को भी उतना ही प्यार देने वाले हैं। कन्नड़ सुपरस्टार यश फिर से एक बार रॉकी भाई का जबरदस्त अंदाज दिखाने आ रहे हैं। फिल्म में एक्शन मसाला होगा ही क्योंकि ये कहानी गैंगस्टर के बीच की है। इस बार अधीरा फिल्म का खतरनाक विलन रॉकी भाई को चुनौती देने वाला है, वहीं अधीरा का किरदार संजय दत्त निभा रहे हैं। वहीं दोस्तों बता दें कि फिल्म की लीड हीरोइन होने वाली हैं खूबसूरत एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी और उनके साथ पॉलिटिकल तड़का लगाने आ रही हैं रवीना टंडन। वैसे ट्रेलर जब से सामने आया है तब से सबके होश उड़ गए हैं, दर्शक तो हैरान थे ही पर सेलिब्रिटीज भी दंग रह गए। बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन भी इसमें पीछे नहीं है, उनके हिसाब से एक फिल्म में इतने सारे शेड्स दिखाना बहुत बड़ी बात है। टीजर देखने के बाद उन्होंने यश के जन्मदिन पर कहा कि टीजर जबरदस्त है और साथ ही में आप भी, अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, ऑल द बेस्ट। उनके बाद सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और मोहनलाल ने भी खूब तारीफ की है। कन्नड़ इंडस्ट्री के अन्ना यानी कि मेगा सुपरस्टार पुनीत राजकुमार अब हमारे बीच नहीं है, पर उनके अकाउंट से भी यश को ढेर सारी बधाइयां दी गई हैं। फिल्म के रिलीज के पहले ही इतनी चर्चा हो रही है तो इसे सुपरहिट बनने से आखिर कौन रोक सकता है। हाँ दोस्तों ये बात तो है कि फिल्म की रिलीज डेट को लेकर काफी बदलाव होने की चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि बॉलीवुड की भी कुछ बड़ी फिल्में रिलीज होने को हैं। अब देखिए आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी उसी वक्त रिलीज होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि क्लैशेस तो होंगे ही। और इस पर कहते हुए आमिर के भाई डायरेक्टर फैजल खान ने कहा,
मैंने देखा रिलीजिंग डेट को लेकर काफी परेशानी हो रही है, पर दोनों ही फिल्में कमाल की हैं और अगर ये दोनों एक दिन रिलीज होंगी तो मैं चाहूंगा कि दोनों को ही उतना प्यार मिले, क्योंकि ऐसे पहले भी हुआ है जब फिल्म लगान और गदर आमने सामने आई थी। वेल गाइस, प्रशांत, अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। क्या कंफर्म हो गए हैं फिल्म के ब्रॉडकास्ट राइट्स? कहां पहुंची फिल्म की पूरी टीम मन्नत मांगने? केजीएफ चैप्टर 2 के प्रीमियर पर दिन देरी के बाद प्रोडक्शन टीम ने पुष्टि की है कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। केजीएफ चैप्टर 2 का प्रीमियर अक्टूबर 2020 के एंड में होने वाला था, लेकिन चल रहे कोरोना वायरस महामारी और संजय दत्त के हेल्थ इश्यू से जुड़े प्रॉब्लम्स के कारण इसे डिले करना पड़ा। 6 जुलाई को प्रशांत नील द्वारा एक नई पोस्टर इमेज शेयर की गई थी। शुक्र है हमें उसके बाद बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। मेन लीड एक्टर यश ने अगस्त 2021 में अपने सोशल मीडिया पेज पर पुष्टि की कि 14 अप्रैल 2022 के लिए एक नई डेट सेट की जाएगी। नई रिलीज की तारीख के साथ यह पता चला कि जी नेटवर्क ने ऑफिशियल तौर पर केजीएफ चैप्टर 2 के कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम वर्जन के स्ट्रीमिंग राइट्स हासिल कर लिए हैं। जी तमिल तमिल भाषा की डबिंग को ब्रॉडकास्ट करेगा, जिसमें जी तेलुगु, जी कन्नड़ और जी केरलम मलयालम डबिंग के लिए ब्रॉडकास्ट करेंगे। इंटरनेशनली खबरें ऐसी आई हैं कि अमेज़न प्राइम वीडियो मई 2020 से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाले ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को खरीदने में इंटरेस्टेड है। मार्च 2021 में नई अफवाहें ऑनलाइन फैलने लगी कि फिल्म को अमेज़न पर 55 करोड़ रुपए में बेचा गया था। हालांकि लेट्स ओटीटी ग्लोबल ट्विटर पेज ने कहा कि अमेज़न प्राइम अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन डिजिटल रिलीज पर बातचीत कर रहा है। केजीएफ चैप्टर 2 के हिंदी डब वर्जन की प्लानिंग यश द्वारा खुद की जाने वाली थी। उन्होंने कहा कि वह हिंदी डायलॉग्स के लिए अपने एक्सेंट को परफेक्ट करना चाहते हैं। हालांकि जब यह बात पता चली कि यश डबिंग पर काम नहीं करेंगे, यह कहते हुए कि बड़े पर्दे पर दर्शकों के एक्सेंट को समझना मुश्किल हो सकता है, वहीं हाल ही में एक खबर सामने आई। कन्नड़ स्टार यश ने केजीएफ चैप्टर 2 टीम के साथ कोल्लूर मुकाम्बिका मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना करने गए थे। उन्होंने फिल्म की सफलता के लिए केजीएफ चैप्टर 1 की रिलीज से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की। वे पिछले 2 दिनों से प्रमोशन शुरू करने की तैयारी में हैं। केजीएफ चैप्टर 2 काफी बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है। अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत। कुदरत का करिश्मा तो देखो, उस रात 2 घंटाएं हुई, केजीएफ भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। ओ भाई, क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप मैं। उसका कोई नामो निशान इतिहास के पन्नों में नहीं रहना चाहिए। आई एम एनफोर्सिंग द आर्मी। And signing a death warrant of the biggest criminal in India. क्या आपसी फूट से होगा रॉकी को फायदा? क्या अधीरा हो जाएंगे रॉकी की साइड? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। जब भी हम थिएटर में किसी फिल्म को देखने जाते हैं तो हमें उस फिल्म से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अक्सर हम किसी फिल्म को देखने जाने से पहले उस फिल्म के बारे में रिसर्च करते हैं, फिल्म के बारे में आए रिव्यूज पढ़ते हैं, अपने दोस्तों से उस फिल्म की रेटिंग्स और फिल्म के बारे में पूछते हैं।
अगर इसके बाद जब हम फिल्म को देखकर वापस आते हैं तो सबको उस फिल्म के बारे में अक्सर बताते हैं। इसे ही कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, और अक्सर इस वर्ड ऑफ माउथ से ही किसी भी फिल्म को हिट या फ्लॉप होने का पता चलता है। जब KGF चैप्टर 1 थिएटर्स में लगी थी तो सभी ने इस फिल्म की तारीफ की और अपने दोस्तों और जानने वालों को इस फिल्म को देखने के लिए कहा, और कुछ ऐसे ही ये फिल्म इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म बन गई। अब ये तो सभी जानते हैं कि इस फिल्म का अगला पार्ट जल्दी आने वाला है, और ऐसे में सभी को इस फिल्म के सीक्वल से बड़ी उम्मीद है, और साथ ही इस फिल्म के सीक्वल को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी भी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है KGF चैप्टर 2 में। हम आपको बता देते हैं कि इस फिल्म के ट्रेलर में हमें दिखाया गया है कि इस बार रॉकी अपनी माँ को किए गए वादे को पूरा करेंगे, और अगर कोई भी उनके इस वादे को पूरा करने के रास्ते में आता है तो रॉकी उसे छोड़ेगा नहीं, जिससे हमें ये तो पता चलता है कि इस बार हमें रॉकी का बहुत ही खतरनाक और खूंखार वर्जन देखने को मिलने वाला है। KGF पार्ट 1 का एंड रॉकी के साथ खत्म हुआ था, जिसमें रॉकी करुणा को मारने के बाद KGF का राजा बन जाता है। अब रॉकी की मदद से सूर्यवर्धन के 5 सपोर्टर्स एंड्रयू, राजेंद्र देसाई, गुरु पांडियन, कमल और अधीरा सोने की खान पर अपना हाथ रखने की सबसे बड़ी मुश्किल को दूर कर देते हैं, यानी कि करुणा को मरवा देते हैं रॉकी के द्वारा। अब कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि रॉकी की वजह से इन सबके बीच फूट पड़ जाएगी और सबके अलग अलग प्लान्स हैं, और आखिर में अधीरा रॉकी की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएगा। ये होने वाला है KGF चैप्टर 2 में। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का। फिल्म के लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है श्रीनिधि ने। टीम क्यों कर रही है संजय दत्त को सलाम। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। अब दिन पर दिन सबकी नजरें एक ही फिल्म पर टिकी हुई है, और वो है KGF 2, जिसे लेकर आ रहे हैं हमारे रॉकी भाई। रॉकी की एक झलक देखकर दर्शक दीवाने हो रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वो अभी ज्यादा इंतजार नहीं कर पाएंगे। वैसे दोस्तों, 2018 में KGF चैप्टर 1 का जादू अभी तक कम नहीं हुआ है। दर्शकों को आज भी फिल्म की कहानी से लेकर डायलॉग तक सब कुछ याद है, और अब उसी जादू को दुगना करने के लिए डायरेक्टर प्रशांत नील चैप्टर 2 को लेकर आ रहे हैं। सुपरस्टार यश फिर से एक बार फिर रॉकी भाई के अवतार में नजर आने वाले हैं। उसके स्टाइल को हर तरफ कॉपी किया जा रहा है। वैसे बात करें कहानी की, तो इस बार और हटके होने वाली है। फिल्म में दुश्मनी लड़ाई तो देखने को मिलेगी ही, पर साथ में काफी सीक्रेट्स को रिवील किया जाएगा। सारी मुंबई पर राज करने के लिए और सबसे अमीर बनने के लिए एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश भी होगी। एक्शन के साथ साथ यश का रोमांटिक अंदाज भी देखने को मिलेगा उनकी हीरोइन यानी कि श्रीनिधि शेट्टी के साथ में। श्रीनिधि 2016 की मिस डीवा रह चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। अब वैसे तो श्रीनिधि इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा खुश हैं, पर अपनी खुशी को जाहिर करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म का हिस्सा बनना मेरा सपना था, और इसके लिए मुझे कुर्बानी भी देनी पड़ी। मेरे पास इस फिल्म से पहले 7 फिल्मों का ऑफर मिला था, जिसमें 2 तेलुगु, 2 तमिल और 3 कन्नड़ फिल्म शामिल थी, पर इस मेगा फिल्म को हाथ से जाने देना मतलब बहुत बड़ी भूल होती। पर खैर, अभी इसके बाद श्रीनिधि के पास काफी अच्छे ऑफर आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। अब मिलते हैं फिल्म के विलन से, जिसका नाम है अधीरा, और अधीरा का किरदार निभाने वाले हैं बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त यानी कि संजू बाबा। संजय ने भी बताया कि उनका साउथ इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। उनके काम के साथ साथ फिल्म की पूरी टीम ने और एक वजह के लिए उन्हें अप्रिशिएट भी किया गया था। फिल्म की शूटिंग से पहले संजय कैंसर से लड़ रहे थे, हालांकि अभी वो बिल्कुल ठीक हैं, पर वो दौर उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था इमोशनली और फिजिकली। पर तब भी एक जज्बे के साथ उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरा करने का वादा शिद्दत से निभाया, और इसीलिए यश ने भी उनके जज्बे को सलाम किया था। ये फिल्म तो सुपर ब्लॉकबस्टर होने वाली है, पर एक अवार्ड फंक्शन में यश को KGF के लिए अवार्ड मिला था, तब उन्होंने ऑडियंस से एक वादा किया था। उन्होंने ऑडियंस से कहा था कि कन्नड़ इंडस्ट्री को ग्लोबल बनाने का हम सबका सपना जरूर पूरा होगा। Thank you.
अधीरा के लुक से हुआ किस कन्नड़ एक्टर का कंपैरिजन? इसके बारे में क्या बोले केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील? क्या दोनों के बीच कंपैरिजन करना होगा गलत? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। फिल्म केजीएफ 2 को लेकर लोगों के एक्साइटमेंट इस हद तक बढ़ चुकी है कि उन्हें दूसरी फिल्म में भी केजीएफ के एक्टर्स ही नजर आते हैं, या यूं कहें कि केजीएफ के कैरेक्टर्स उन्हें दूसरी फिल्म में दिखाई देने लगे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में जब कन्नड़ एक्टर श्रीनागर केटी ने अपनी आने वाली फिल्म गोबली से अपना पोस्टर रिलीज किया जिसमें उनका फिल्म में होने वाला लुक दिखाया गया है, तब तक कई लोगों ने उनके लुक को केजीएफ 2 के अधीरा यानी कि संजय दत्त के लुक से कंपेयर करना शुरू कर दिया। वहीं जैसे ही इसके बारे में केजीएफ चैप्टर्स के डायरेक्टर को पता चला, उन्होंने इसके बारे में अपनी राय रखी। आपको बता दें कि इस पर उनका ये कहना था कि केजीएफ 2 में अधीरा का लुक वाइकिंग्स के रॉब ब्रूटली से इंस्पायर है और गोवली के मेकर्स श्रीनागर केटी को अपने हिसाब से अलग लुक देने की कोशिश की गई है, इसीलिए इन दोनों के लुक को कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। लेकिन डायरेक्टर की इस बात को न सुनते हुए अभी भी लोगों ने फिल्म गोवली को ट्रोल करना बंद नहीं किया। अब ट्रोलर्स चाहे जो भी कहें, लेकिन मेकर्स उनके कहने पर फिल्म में कैरेक्टर के लुक को फिर से डिजाइन नहीं करेंगे। अब आगे देखना तो ये होगा कि केजीएफ 2 के कारण श्रीनागर किट्टी की फिल्म पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ता या इसकी वजह से फिल्म का फ्री में प्रमोशन होता है। वैसे केजीएफ 2 एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में बनाया गया है। इस फिल्म में आपको यश, संजय दत्त, एंड्रयू, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी और प्रकाश राज अहम रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को देखने के लिए लोगों के बीच जो एक्साइटमेंट है उसे देखकर तो यही बताया जा रहा है कि ये फिल्म एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाएगी। फिल्म की रिलीज को पहले कई बार टाला जा चुका है, लेकिन इस बार मेकर्स ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार फिल्म तय तारीख पर ही रिलीज की जाएगी। आपको बता दें क्या है डायरेक्टर प्रशांत नील की स्ट्रेटजी? कौन से बंधन तोड़े डायरेक्टर ने केजीएफ के साथ? क्या है उनके आगे के प्लान्स? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज के दिलचस्प गलियारे में। कहते हैं कि कहानी एक फिल्म की सच्ची आत्मा है। हालांकि बड़े पैमाने पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक राइटर को अपनी कहानी को इस तरह से लिखने की जरूरत है कि वो अपनी लिखी कहानी से ऑडियंस को बांध कर रखे, इमोशंस के साथ एक क्लियर संदेश भेजे जिसमें लैंग्वेज बैरियर ना हो। और केजीएफ के डायरेक्टर राइटर प्रशांत नील की फिल्में इस कसौटी पर खरी उतरती हैं और इसीलिए उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और उनकी कहानियों से ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है। केजीएफ चैप्टर 1 की रिलीज के बाद दर्शकों के हीरो यश, नाम तो सुना ही होगा, की तारीफ करते नहीं थके। अजीब तरह से यश के रूथलेस अवतार ने कई लोगों का दिल जीत लिया। दिलचस्प बात यह है कि जब जनवरी में केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर जारी किया गया था तो एक्टर के फैंस और फॉलोवर्स उनके इंटेंस लुक पर गौर ही नहीं कर पाए, क्योंकि इस बार ट्रेलर में बहुत कुछ नया और अनोखा देखने को मिला जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। इसी तरह डायरेक्टर की दूसरी अपकमिंग फिल्म सालार के पहले पोस्टर में प्रभास को पहले कभी ना देखे गए अवतार में देखा गया, क्योंकि उन्होंने एक डार्क और इंटेंस रूप से पोर्ट्रे किया गया था जो थोड़ा सा हटकर था, लेकिन बहुत प्रशंसा मिली। लोगों के दिलों से अभी तक बाहुबली का सुरूर नहीं उतरा है, तो कह सकते हैं बाहुबली से सालार का सफर प्रभास के लिए फिलहाल बढ़िया रहा है। प्रशांत नील की आने वाली फिल्मों के दिलचस्प टीजर और पोस्टर रिलीज के बाद हम अब बड़े पर्दे पर कुछ एक्चुअल एक्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिसमें कई बड़े नाम, स्टंट्स और सीक्वेंसेस आपको दिखाई देने वाले हैं।
फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 की एंडिंग अधूरी थी, जिसने कई लोगों को एक्साइटमेंट में छोड़ दिया था। इसीलिए अगली कड़ी से कुछ अनएक्सपेक्टेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की उम्मीद की जा सकती है, जो रॉकी के बारे में कुछ गंभीर और डार्क सीक्रेट्स का खुलासा करेगा। लेकिन ये कोई सीक्रेट नहीं है कि प्रशांत ने केजीएफ 2 के लिए कुछ शानदार एक्टर्स को नहीं लिया है। कुछ नए कैरेक्टर्स को गहराई से उभरते हुए निर्देशक ने संजय दत्त, रवीना टंडन और प्रकाश राज के साथ कई टैलेंट और नामी एक्टर को इस फिल्म से जोड़ा है, जैसे रमेश राव, संजय दत्त के डेडली कैरेक्टर अधीरा के रूप में और रवीना रमिका सेन के रूप में भारत की प्रधानमंत्री के रूप में हमें देखने को इस बार मिलेगी। साथ ही इनायत खलील भी लौट रहा है। अब आगे क्या होगा इसको लेकर तो हम प्रशांत नील पर भरोसा रख ही सकते हैं। दूसरी ओर हालांकि सालार और #NTR31 के दूसरे कलाकारों का खुलासा होना बाकी है। ये निश्चित रूप से एक ग्रैंड अफेयर होगा जब निर्माता एट द एंड नामों की ऑफिशियल घोषणा करेंगे। प्रशांत की पिछली दो फिल्मों में उग्रम और केजीएफ ने कुछ कैप्टिवेटिंग फाइट सीक्वेंस दिखाए। ये मेक श्योर किया जा सकता है कि उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स भी पूरी तरह से एक्शन फिल्म लवर्स के लिए होंगे। केजीएफ 2 और सालार एक्शन के तो एक्शन सीन्स के लिए आप सब वैसे ही काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि एक तरफ रॉकी हैं और दूसरी तरफ बाहुबली और अम्बरीव द्वारा इन एक्शंस को कोरियोग्राफ किया जाएगा, जिन्होंने पहले भी केजीएफ के लिए काम किया है। वहीं जूनियर एनटीआर प्रशांत नील की फिल्म में या तो कुचिपुड़ी डांसर या एक राजनीतिक नेता की भूमिका निभाएंगे, जो हाई वोल्टेज स्टंट भी करता दिखाई देगा। खैर, अभी के लिए हम केजीएफ चैप्टर 2 पर ही फोकस करेंगे, जो अप्रैल 14 को इसी साल रिलीज के लिए तैयार है। तो क्या आप भी प्रशांत का कोई पुराना दुश्मन, क्या है इसकी चाहत? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज एंड मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, खुशखबरी है उन सब के लिए जो रॉकी यानी सुपरस्टार यश के डाई हार्ड फैंस हैं। यश की एक झलक दर्शकों के दिलों दिमाग पर सवार हो जाती है। इसके पहले भी सुपरस्टार ने जोरदार धमाका किया है फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 में, पर कहानी यहीं तक कैसे रुकेगी? चैप्टर 2 में भी उनके इसी सुपरहिट अंदाज को फिर से देखने का मजा ही कुछ और होने वाला है। दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। केजीएफ का ये डायलॉग दर्शकों के दिलों को मानो छू गया हो। अपनी माँ की इच्छा को पूरा करते हुए यश यानी रॉकी सुपर खिलाड़ी बने। वैसे केजीएफ चैप्टर 1 में तो आपने देख ही लिया कि कैसे रॉकी ने अपने धांसू अंदाज से दुश्मनों पर राज करने का प्लान बनाया था, कैसे वे सबको गुमराह करके कामयाब हो गए। अभी तक उसके दुश्मनों की गिनती कम नहीं हुई है। वही दुश्मन फिर से एक बार पर्दे पर रॉकी से लड़ते हुए नजर आएंगे और उन्हें करारा जवाब देने के लिए रॉकी लेकर आ रहा है केजीएफ चैप्टर 2। कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि दर्शक इंतजार कर रहे थे पार्ट 2 का, पर अब सबका इंतजार खत्म हो चुका है। केजीएफ चैप्टर 2 बिल्कुल तैयार है आपके मनोरंजन के लिए। रॉकी की राउडी लुक आपने तो देखी ही है, वहीं लंबी दाढ़ी, मूंछें, चेहरे पर गिरते बाल और आंखों में गुस्सा, यही है रॉकी की पहचान। रॉकी की चाल, उसका मुंह में सिगरेट दबाकर घूमना और सबको टशन दिखाना काफी जबरदस्त दिख रहा है। ट्रेलर में और एक बात है कि रॉकी का एक पुराना दुश्मन सामने आ चुका है उसके साथ लड़ने के लिए, जो चैप्टर 1 में भी था, पर अब उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। उसका नाम है अधीरा, जो रॉकी से अपना पुराना बदला लेने आ रहा है। उसे रास्ते से हटाकर और खुद मुंबई का राजा बनना चाहता है। अधीरा का किरदार निभाएंगे बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त। संजू बाबा से जब इस रोल के बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि ये किरदार काफी जबरदस्त दिखने वाला है, इसका स्टाइल, इसकी दुश्मनी सब दर्शकों को पसंद आने वाली है। वैसे देखा जाए तो संजय दत्त का लुक भी कुछ कम नहीं है। चेहरे पर अनोखे निशान, कानों में बाली, आंखों में काजल और अलग हेयर कट काफी खतरनाक दिख रहा है। फिर
फिल्म में इसके अलावा दिखेंगी रॉकी भाई की हसीना रीना देसाई यानी एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी, जो हमें केजीएफ चैप्टर 1 में भी दिख चुकी हैं, जो इस बार भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। फिर से एक बार रॉकी के साथ उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। फिल्म की कामयाबी के लिए फिल्म के कुछ खास लोग और यश मैंगलुरु के एक मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने गए थे, या यूं कहें भगवान से सेटिंग लगाने गए थे। अब मेहनत के साथ भगवान का आशीर्वाद होना इन सुपरस्टार्स के लिए भी बहुत जरूरी है। होमेबल फिल्म्स जैसे बड़े बैनर के साथ केजीएफ 2 को डायरेक्ट करने वाले हैं मशहूर डायरेक्टर प्रशांत नील, जो फिल्म के सीक्वल को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। चैप्टर 1 की सक्सेस के बाद उन्हें इस फिल्म से भी काफी उम्मीदें हैं। उनका ये कहना है कि इस फिल्म को भी दर्शक उतना ही प्यार देंगे। केजीएफ 2 के साथ हम और एक फिल्म को लेकर आ रहे हैं, इसमें काफी सारे सरप्राइज देखने को मिलेंगे और कई सीक्रेट्स खुलेंगे। उस फिल्म को लेकर काफी कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप। हमें आशा है कि दर्शक उसके लिए भी उतना ही इंतजार करेंगे। वैसे फिल्म के रिलीज के बारे में बताया जाए तो केजीएफ 2 हमें 14 अप्रैल 2022 को देखने को मिलेगी। जैसे रॉकी कहता है कि डर होना चाहिए और वह भी दिल में होना चाहिए, उसी तरह रॉकी को दर्शकों का ढेर सारा प्यार चाहिए और हर बार चाहिए। आपके हिसाब से देखा ना हो, लेकिन उसका नाम सब 1951। कौन से सीन्स पर लगा कॉपी पेस्ट का ठप्पा, कौन सी फिल्मों के सीन चुराए प्रशांत नील ने? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज के दिलचस्प गलियारे में। केजीएफ 1 एक ऐसी फिल्म रही जिसने न केवल पूरे देश की पब्लिक को दीवाना बनाया, बल्कि फिल्म के हीरो यश को स्टार से सुपरस्टार भी बना दिया। और इस सुपरस्टार की जबरदस्त फिल्म का आ रहा है सीक्वल यानी केजीएफ 2। लेकिन क्या आप जानते हैं इस बेहतरीन फिल्म के कई सीन्स ऐसे थे जो किसी और फिल्म से मिलते जुलते नजर आते हैं, जिस पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए। जी हाँ, फिल्म 70s और 80s की एक रियल स्टोरी कोलार गोल्ड ऑफ फील्ड पर बेस्ड है। ऐसे ही एक और क्लासिक हॉलीवुड फिल्म द गुड द बैड एंड द अगली फिल्म से ये इंस्पायर्ड लगती है, क्योंकि इस फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है वो एक बिल्कुल अलग भाषा का था। और केजीएफ में भी अगर आपने बैकग्राउंड म्यूजिक पर ध्यान दिया होगा तो वो आपको थोड़ा थोड़ा इजिप्शियन म्यूजिक की याद दिला देगा, जो वापस से हमें आने वाले सीक्वल में भी सुनने को मिले, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो केजीएफ 1 में दिखने के बाद वापस से केजीएफ 2 में दिखेंगी। ऐसे में फिल्म के कुछ सीन्स देख आपको बाहुबली की याद तो जरूर आई होगी। फिल्म बाहुबली में जहां एक 100 फुट का एक बड़ा स्टैचू माहेशमती किंगडम में रहता है, जिसे खींचने के लिए न जाने कितने स्लेव्स लगे रहते हैं, लेकिन जैसे उनके हाथ से रोप छूटने को होती है तभी वहां मुंह कवर करके एक महान इंसान आता है और स्टैचू को रस्सी से खींचता है, और जैसे उसका चेहरा दिखाते सभी जोर जोर से सब नारा लगाते हैं बाहुबली बाहुबली। और ऐसा ही सेम सीन केजीएफ 2 के फर्स्ट लुक में दिखाया गया, जहां यश ब्लू और व्हाइट शर्ट में पूरी लीडर वाली वाइब दे रहे हैं, जहां कुछ लोगों का एक ग्रुप रस्सी की मदद से एक मैसिव पिलर खींच रहे हैं और उस पोस्टर के कैप्शन में लिखा था रीबिल्डिंग द एम्पायर। कई लोगों ने इस पोस्टर को देखने के बाद कहा कि ये बाहुबली फिल्म के उसी एक्शन सीन से मिलता जुलता लगता है, जिसके बाद कई वेबसाइट्स पर इसके लिए फिल्म को काफी ट्रोल किया गया। ठीक ऐसे ही फिल्म की कहानी में रॉकी भाई लोकल लोग जो केजीएफ में काम करते हैं उनकी मदद करता है और उनको स्लेवरी से बचाता है। ठीक ऐसे ही एक हॉलीवुड फिल्म ब्लड डायमंड में भी देखने को मिला था, जहां अफ्रीका में डायमंड माइन का काम होता था और आसपास के लोगों को स्लेव्स की तरह उस डायमंड माइन में काम करना पड़ता था, और रॉकी की तरह ही वहां भी एक मसीहा आया डैनी आर्चर, जो उन सब लोगों को स्लेवरी से बचाता है। दोनों ही फिल्मों में रॉकी का पार्ट इस पार्ट से इंस्पायर्ड लगता है, लेकिन असल खुलासा तो अब होगा जब केजीएफ 2 14 अप्रैल को बड़े पर्दे पर आएगी। तभी उठेगा राज कि डायरेक्टर ने बाहुबली और हॉलीवुड की
और किन किन फिल्मों से कॉपी किए हैं फिल्म के सीन्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। KGF 2 में संजय दत्त ने एक्शन सीन के लिए क्या किया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। कन्नड़ सुपरस्टार यश की धमाकेदार फिल्म KGF चैप्टर 2 को लेकर लंबे समय से चर्चा है। इसका पहला चैप्टर काफी पसंद किया गया था और लोगों ने इसको भरपूर प्यार दिया था। ऐसा कहा जाता है इस फिल्म के बाद यश का कद बढ़ा है और दूसरा चैप्टर काफी धमाकेदार होने वाला है। लेकिन ये फिल्म संजय दत्त के कारण और भी बड़ी होने वाली है क्योंकि वो इस फिल्म में एक दमदार नेगेटिव रोल में आ रहे हैं। संजय दत्त को इस फिल्म के लिए दमदार एक्शन सीक्वेंस शूट करना था और इसके लिए उनको बॉडी डबल दिया जा रहा था। खबरों की माने तो अभिनेता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद संजय दत्त ने खतरनाक एक्शन सीक्वेंस खुद ही शूट किए हैं जो कि चर्चा में है। संजय दत्त इस फिल्म में अधीरा के किरदार में नजर आने वाले हैं जो पहले पार्ट में सामने आया था। हालांकि उस फिल्म में अधीरा का चेहरा नहीं दिखाया गया था लेकिन इतना तय हो गया है कि वो इस फिल्म में बड़ा धमाका करने वाले हैं। संजय दत्त पहली बार किसी कन्नड़ फिल्म में काम करने वाले हैं। इसके अलावा फिल्म में अभिनेत्री रवीना टंडन भी बेहतरीन किरदार में नजर आएंगी। इस फिल्म की रिलीज को लेकर कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है क्योंकि लगातार कोरोना वायरस के केस देश में बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई बड़ी फिल्मों को आगे ढकेला गया है। साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR को 7 जनवरी को रिलीज नहीं किया गया था क्योंकि देश में एकाएक कोरोना के केस बढ़ने लगे थे, वो भी ओमिक्रॉन के, जो कि एक नया वेरिएंट है। इसकी वजह से फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया या यूं कहें तो टाल दिया गया। इसका एक और कारण ये भी था क्योंकि SS राजामौली की ये फिल्म काफी बड़े बजट की फिल्म है और इस वक्त देश में थिएटर्स पूरी तरह से खुले नहीं है। यही कारण है कि मेकर्स ने इसको टालने का फैसला लिया। कुछ समय पहले खबर आई थी कि ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज की जाएगी। इसको लेकर फैंस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का। क्या रीजन है फिल्म को एक साथ बड़े पर्दे पर उतारने का? रियल में कौन सी भाषा का चलन बढ़ा था KGF के समय? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। KGF फिल्म्स की बैकग्राउंड स्टोरी कोलार गोल्ड माइंस पर बेस्ड है जिसमें डायरेक्टर ने थोड़ा फिक्शनल ड्रामा भी ऐड किया है। वहीं क्या आप जानते हैं कि कोलार गोल्ड माइंस जब अपने चरम पर थी उस वक्त KGF 30,000 माइंस वर्कर्स और उनके परिवारों का घर था और दुनिया भर से अनुभवी माइनर्स के साथ एक मल्टी एथनिक कम्युनिटी थी जिनमें से एक बड़ा हिस्सा कार्नवाल से था। जो खदानें खुली तो लोकल लोग वहां काम करने से ना खुश थे क्योंकि ये बेहद खतरनाक काम था, इसीलिए तमिलनाडु और से मजदूर शिफ्ट कर गए और तमिल फिर ज्यादातर लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक आम भाषा बन गई। KGF में एक बड़ी एंग्लो इंडियन आबादी थी जिनमें से कई ने 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश वर्कर्स की भूमिका निभाई। ये सब बातें आपको फिल्म में तो देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ, असल KGF की कहानी का ये एक अहम हिस्सा रहा है। ऐसे में अब 14 अप्रैल 2022 को आ रही है KGF 2 और साथ ही उसी दिन आ रही है आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सारी डेट्स छोड़कर आमिर ने 14 अप्रैल ही क्यों चुना? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कि आमिर खान की फिल्म जो पिछले 3 साल से बन रही है
और जिसके बारे में हर वक्त ये कहा जा रहा था कि फिल्म अब आएगी, लेकिन हुआ क्या, फिल्म कब आ रही है, इस साल। फिल्म में इतने डिले के चलते जहां दर्शकों का मन फिल्म से उठ सा गया था और फिल्म कहीं खो सी गई थी, लेकिन जब से फिल्म के क्लैश का बज उड़ा है केजीएफ 2 के साथ, तब से आमिर की फिल्म सुर्खियों में रहने लगी है। तो ये कहा जा सकता है कि फिल्म को केजीएफ 2 के सामने लाना एक तरह से लाल सिंह चड्ढा फिल्म के लिए अटेंशन पाना हो सकता है। वहीं दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि शायद मेकर्स को ये पता लग चुका है कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर इतना धमाल नहीं मचा पाएगी, लेकिन आमिर का स्टारडम और उनकी आने वाले फिल्म्स मोगुल पर इतना काफी असर पड़ेगा अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो। लेकिन अगर फिल्म केजीएफ 2 जैसी दमदार फिल्म के सामने फीकी पड़ेगी तो मेकर्स को कवर अप करने में काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि केजीएफ 2 के सामने टिकना कितना मुश्किल है। ऐसे में ये देखना कितना मजेदार होगा कि इस लड़ाई में जीत तो केजीएफ 2 की ही फिक्स है। हमें ये देखना है कि आमिर खान की फिल्म भारती किस लेवल। अधीरा के लुक से हुआ किस कन्नड़ एक्टर का कंपैरिजन? इसके बारे में क्या बोले केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील? क्या दोनों के बीच कंपैरिजन करना होगा गलत? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। फिल्म केजीएफ 2 को लेकर लोगों के एक्साइटमेंट इस हद तक बढ़ चुकी है कि उन्हें दूसरी फिल्म में भी केजीएफ के एक्टर्स ही नजर आते हैं, या यूं कहें कि केजीएफ के कैरेक्टर्स उन्हें दूसरी फिल्म में दिखाई देने लगे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में जब कन्नड़ एक्टर श्रीनागर केटी ने अपनी आने वाली फिल्म गोबली से अपना पोस्टर रिलीज किया जिसमें उनका फिल्म में होने वाला लुक दिखाया गया है, तब तक कई लोगों ने उनके लुक को केजीएफ 2 के अधीरा यानी कि संजय दत्त के लुक से कंपेयर करना शुरू कर दिया। वहीं जैसे ही इसके बारे में केजीएफ चैप्टर्स के डायरेक्टर को पता चला, उन्होंने इसके बारे में अपनी राय रखी। आपको बता दें कि इस पर उनका ये कहना था कि केजीएफ 2 में अधीरा का लुक वाइकिंग्स के रॉ ब्रूटली से इंस्पायर है और गोबली के मेकर्स श्रीनागर केटी को अपने हिसाब से अलग लुक देने की कोशिश की गई है, इसीलिए इन दोनों के लुक को कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। लेकिन डायरेक्टर की इस बात को न सुनते हुए अभी भी लोगों ने फिल्म गोवली को ट्रोल करना बंद नहीं किया। अब ट्रोलर्स चाहे जो भी कहें, लेकिन मेकर्स उनके कहने पर फिल्म में कैरेक्टर के लुक को फिर से डिजाइन नहीं करेंगे। अब आगे देखना तो ये होगा कि केजीएफ 2 के कारण श्रीनागर की टी की फिल्म पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ता, या इसकी वजह से फिल्म का फ्री में प्रमोशन होता है। वैसे केजीएफ 2 एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में बनाया गया है। इस फिल्म में आपको यश, संजय दत्त, एंड्रयू, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी और प्रकाश राज अहम रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को देखने के लिए लोगों के बीच जो एक्साइटमेंट है उसे देखकर तो यही बताया जा रहा है कि ये फिल्म एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाएगी। फिल्म की रिलीज को पहले कई बार टाला जा चुका है, लेकिन इस बार मेकर दिखेगा रॉकी का स्लेव्स के लिए प्यार? क्यों नहीं दिखाए हैं गुरु पांड्यान के ट्रू इंटेंशंस? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में।
अक्सर हम किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को अपना फेवरेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस एक्टर या एक्ट्रेस की अदाकारी हमें पसंद आती है और हम उनकी फिल्मों को पसंद करते हैं। शाहरुख खान के फैंस उनकी रोमांस भरी फिल्मों के फैंस हैं और वहीं दूसरी ओर आमिर खान, जिन्हें बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है, अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में अपनी मेथड एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और उनके फैंस भी उनके इसी अंदाज के लिए उन्हें इतना ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं अगर हम फिल्म मेकर्स की बात करें तो जहां एक तरफ करण जौहर को उनके फैंटेसी क्रिएट करने वाली फिल्मों के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ अनुराग कश्यप को अपनी रियलिटी दिखाने वाली हार्ड हिटिंग फिल्मों के लिए जाना जाता है। आजकल बड़े पर्दे पर हमें पैन इंडिया फिल्में भी देखने को मिल रही हैं और ऐसे में जब फैंस को काफी समय से इंतजार है केजीएफ फिल्म के सीक्वल का, तो सब कयास लगा रहे हैं कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी फिल्म मेकिंग के तरीके में ऐसा क्या दिखाएंगे जिससे वो जीत पाएंगे देश भर की ऑडियंस का दिल। जहां तक केजीएफ की बात करें तो हम आपको बता दें कि केजीएफ चैप्टर 2 फिल्म 2018 की फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 के आगे की कहानी बताएगी और इस फिल्म में संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन और प्रकाश राज के साथ यश बड़े पर्दे पर फिर से दिखेंगे। कई लोगों का कहना है कि केजीएफ 2 में हमें एक खतरनाक प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि केजीएफ चैप्टर 1 में जबकि एंड्रयूज और राजेंद्र देसाई के इरादे क्लियर थे, पॉलिटिशियन गुरु पांड्यान ने भी अभी तक अपना असली रूप नहीं दिखाया है और हमने अधीरा को भी बहुत कम देखा है। हमने देखा है कि रॉकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है और वो स्लेव्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर चुका है। वो उतना पत्थर दिल नहीं है जितना वो केजीएफ में शुरू के समय था। रॉकी अब केजीएफ चैप्टर 2 में इन स्लेव्स को आजाद कर देगा जो शायद बाकियों के लिए अच्छा नहीं होगा और शायद ये ही होने वाला है केजीएफ चैप्टर 2 में एक बड़ा ट्विस्ट। अब हम तो इस फिल्म के इस प्लॉट ट्विस्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। और आप, क्या लगता है कर पाएंगे ऑथेंटिसिटी को मेंटेन? ओवर हाइप के चक्कर में क्या निराश करेगी केजीएफ 2? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज के दिलचस्प गलियारे में। टॉलीवुड फिल्मों को पूरे भारत में पसंद किया जाता है। साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों की इतनी दीवानगी है कि लोग नई फिल्म आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन इस बार लोगों को बंपर एंटरटेनमेंट का डोज मिलने वाला है। दरअसल इंडस्ट्री की कई फिल्में लगातार रिलीज होने वाली हैं जिसे लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं। KGF 2 का ट्रेलर रिलीज हुए काफी लंबा वक्त बीत चुका है, ऐसे में फैंस को कन्नड़ स्टार यश की फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इसका पहला भाग भी लोगों को खूब पसंद आया था। बाहुबली सीरीज की तरह ही KGF चैप्टर 1 को भी फैंस ने खूब पसंद किया था और पूरे देश में फिल्म के चर्चे थे। अब KGF चैप्टर 2 फिल्म को भी पैन इंडिया 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। बता दें कि KGF का पहला पार्ट 2018 में रिलीज हुआ था। कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी में आए इस फिल्म के नाम कई रिकॉर्ड बने। ये पहली कन्नड़ मूवी थी जिसने 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। वहीं ये चौथी हिंदी में डब की गई फिल्म थी जिसने सबसे ज्यादा कमाई की थी। फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील दूसरे भाग में वापसी कर रहे हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखी है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त केजीएफ चैप्टर 2 में डेब्यू करने वाले हैं। फिल्म में संजय दत्त खलनायक अधीरा की भूमिका निभाएंगे। KGF 2 कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी सहित भाषाओं में रिलीज होगी। KGF के पहले पार्ट की इतनी तारीफ और हाइप हुई थी कि लोगों को इस फिल्म के दूसरे पार्ट से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। अब इस ओवर हाइप के चक्कर में कहीं ये फिल्म फैंस को निराश ना कर दे, इसका ही डर सबके दिल और दिमाग में है। आपको बता दें कि इस डर को दूर मिटाने के लिए प्रशांत नील ने KGF 2 के सेट पर एक ऐसा माहौल बना रखा था जहां सब पूरी मेहनत से काम करते थे और चाहे वो फिल्म के स्टार यश हो या फिर कोई क्रू, सभी को सेम ट्रीटमेंट मिलता था। प्रशांत ऐसा फिल्म में ऑथेंटिसिटी और एक डाउन टू अर्थ फील के लिए करते थे।
अब हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म फैंस के स्टैंडर्ड्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी उतर पाएगी। अब फिल्म की कहानी और फिल्म के किरदार लोगों को इम्प्रेस कर पाते हैं या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म की रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को वापसी। KGF 1 के बाद ऑडियंस जहां KGF 2 की राह देख रही है, ऐसे में मेकर्स ने फिल्म के रिलीजिंग डेट को अब लॉक कर दिया है, जिससे दर्शक अब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं फिल्म को 14 अप्रैल को बड़े पर्दे पर देखने के लिए। अब ऐसे में पिछले साल आई फिल्म का टीजर, जिसे देख के हर कोई इस फिल्म को देखने के लिए और भी ज्यादा बेताब हो चुका है। अब ऐसे में KGF फैंस को आज हम बताएंगे कि टीजर में आपने कौन सी डिटेलिंग मिस की होगी, जो बॉलीग्राड स्टूडियोज आपको याद दिलाएगा और बताएगा कि आखिर इस बार फिल्म में किसकी होगी एंट्री। KGF चैप्टर 2 का टीजर तो सबने देखा होगा, जिसके बाद कई जगहों पर ये सुनने को मिला कि फिल्म के टीजर में दिखाए गए एक सीन में जहां रॉकी यानी यश मशीन गन से पुलिस की गाड़ियां उड़ा रहे हैं और उन गाड़ियों पर लगा नंबर प्ले टीजर पर ही एक बड़ी गलती बताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि कोई गलती नहीं है, दरअसल गाड़ियों के नेम प्लेट पर MY और MYA लिखा हुआ है। तो ऐसे में आपको बता दें कि फिल्म KGF 70s और 80s के समय पर बेस्ड फिल्म है और उस दौरान कर्नाटक स्टेट का प्रायर नेम मैसूर था और फिल्म में डिटेलिंग को ध्यान में रखते हुए उस दौर का नेम प्लेट यूज किया गया है। वहीं इस सीन में जिस पुलिस स्टेशन की झलक दिखी, जिसका नाम है येलाहंग का पुलिस स्टेशन, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि बैंगलोर की एक जगह है जहां पहले बैंगलोर से अलग हुआ करती थी, पर इतना एक्सपांशन हो चुका है तो अब ये बैंगलोर का हिस्सा बन चुका है। अब ऐसे में टीजर देख के तो ये समझ आ चुका है कि इस बार भी फिल्म में भर भर के स्लो मोशन एक्शन और सीन्स होंगे, क्योंकि जो जो प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी फिल्मों को पहले देख चुके हैं उनको पता होगा कि प्रशांत नील स्लो मो शॉट्स के कितने बड़े दीवाने हैं। अब इस बार की फिल्म में भी आपको KGF चैप्टर 1 के सारे दमदार एलिमेंट्स चैप्टर 2 में भी देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो फिल्म का एक्शन सीन हो, इमोशनल एलिमेंट हो या फिर फिल्म के किरदार हो। फिल्म में काफी एरियल शॉट्स देखने को मिलेंगे, जो फिल्म को एक बड़े रेंज का मजा ऑडियंस को देने में सफल साबित होगी। टीजर से वैसे एक बात तो क्लियर समझ आ रही है कि रॉकी अपने किए हुए वादे को बिल्कुल नहीं भूलते और फिल्म में इस बार भी इमोशनल एलिमेंट होगा जो ऑडियंस को कहानी से कनेक्ट करके रखेगा। फिल्म में इस बार सभी कैरेक्टर्स पूरी तरह से उभर कर सामने आएंगे, जिसमें इनायत खलील, जिसको भी KGF की चाहत है, वो फिल्म के टीजर में उनकी भी झलक दिखाई पड़ रही है, जो हू बहू इनायत से मिल रही है। अब ऐसे में पिछले पार्ट में रॉकी के चलते इसके प्लान फेल हो गए थे और लेकिन अगर इन चैप्टर 2 में लाया गया तो इसका किरदार डार्क कैरेक्टर प्ले करते दिख सकते हैं। वहीं टीजर में आपको एक सीन में देखा होगा कि जहां कुछ लोग CBI ऑफिस के बाहर हैरान और परेशान खड़ी नजर आ रहे हैं और एक गाड़ी काफी स्पीड से निकलती है। अब इस सीन से ये पता चल रहा है कि KGF 2 की कहानी में इस बार CBI का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं रोमिका सेन के किरदार की कहानी से लिंक्ड अप होगा। अब ऐसे में इस डाउट को क्लियर करता है टीजर में दिखाई गई पूरी फोर्स की एंट्री, ये तो फिक्स है कि इस बार कहानी की पॉलिटिक्स का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा। वैसे पूरे टीजर में एक बात इंटरेस्टिंग देखने को मिली कि जहां KGF 1 में रॉकी अब KGF और उनके लोगों का मसीहा बन गया है, लेकिन KGF 2 के टीजर में वही पुराने लोगों के कपड़े देख के लग रहा है कि KGF 2 में उनके हालात में ज्यादा सुधार नहीं आया। अब ऐसे में क्यों नहीं आया, इसका जवाब हमें फिल्म देखकर ही पता चलेगा। KGF 1 की तरह इस बार भी KGF 2 में काली माँ की पूजा होती दिख रही है, जिसमें रीना का कैरेक्टर निभा रही श्रीनिधि शेट्टी
हाथ में थाल लेकर खड़ी हैं। उस पूरे डेकोरम चाहिए फिल्म को वर्ल्ड वाइड फेम। क्या केजीएफ 2 होने वाली है इस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म? क्या केजीएफ से भी बड़ा रिकॉर्ड सेट करेगी केजीएफ 2? क्या हो सकता है केजीएफ 2 के लिए फायदेमंद? फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को रिलीज होने में भले ही अभी लगभग 2 महीने हो, लेकिन इस फिल्म का क्रेज लोगों में इस कदर बढ़ रहा है जैसे कि अगर फिल्म को कल भी रिलीज कर दिया जाए तो लोग अपना सब काम छोड़कर सबसे पहले फिल्म देखने थिएटर ही पहुंच जाएंगे। इसी क्रेज को देखते हुए मेकर्स की उम्मीद फिल्म से और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। उन्हें तो यहां तक लगने लगा है कि केजीएफ 2 इस साल की सबसे सुपरहिट फिल्म भी बन सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार केजीएफ चैप्टर 2 अपने पहले पार्ट से भी ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड सेट कर सकती है। आपको तो याद ही होगा जब फिल्म केजीएफ रिलीज हुई थी तब वो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पहली फिल्म बनी थी जिसने अब तक का हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने नाम किया था। वहीं अगर केजीएफ 2 को बड़ा रिकॉर्ड सेट करना है तो फिल्म को अपना नाम वर्ल्ड वाइड फेमस होना होगा, जैसे कि फिल्म बाहुबली के साथ हुआ था। बाहुबली ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड लगभग 300 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसलिए अगर केजीएफ 2 भी कुछ ऐसा ही करती है तो वो आसानी से लाल सिंह चड्ढा को पीछे छोड़ देगी। अब केजीएफ तो सिर्फ कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही स्पेशल थी, लेकिन केजीएफ 2 को उससे भी आगे निकलने के लिए इंडिया के साथ दूसरे जगहों पर भी हिट लिस्ट में शामिल होना होगा। वैसे ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि मेकर्स की माने तो उन्हें लगता है कि फिल्म जब यूएसए में रिलीज होगी तो वहां से भी फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, जो फिल्म के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। यूएसए में लोग फिल्म को इसलिए भी देखेंगे क्योंकि वहां पर फर्स्ट चैप्टर को लोगों ने बहुत पसंद किया था, जिसके कारण उन्हें आगे की कहानी जानने में इंटरेस्ट जरूर होगा। अब इसमें से कितनी बातें सच होती हैं और फिल्म मेकर्स की उम्मीदों पर किस हद तक खरी उतरती है, ये तो हमें रिलीज के दिन पता चल जाएगा। आगे बात करें फिल्म की तो केजीएफ 2 एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में बनाया गया है। इस फिल्म के आपको यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि, अर्चना जोस और प्रकाश राज अहम रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म का पहला पार्ट बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसके नहीं देखना चाहती ऑडियंस केजीएफ 2 में। यश की सिगरेट से किसके तन बदन में उठता है धुआं? यूं तो दुनिया भर में केजीएफ 1 के फैंस भरे पड़े हैं, लेकिन केजीएफ 2 में वापस वो सीन्स ना दिखाए जाने पर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल केजीएफ 1 में कुछ ऐसे सीन्स थे जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को बढ़ावा देते नजर आए थे, तो हमारा सवाल ऑडियंस से ये है कि क्या उनको फिल्म के कंटेंट से प्रॉब्लम है या फिर हमारे रॉकी भाई से? मानो स्टॉकिंग इज अ सीरियस ऑफेंस, पर रॉकी का कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है कि वो एसआरके की तरह बाहें फैला के अपनी हीरोइन को अपने पास नहीं बुला सकता था। दरअसल रॉकी पहला ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो बड़े पर्दे पर ऐसा करता हुआ नजर आया है। इससे पहले साउथ की फिल्म अर्जुन रेड्डी का रीमेक कबीर सिंह में भी कुछ ऐसा ही नजर आया था। जी हाँ, जब कबीर सिंह प्रीति को थप्पड़ मारते हैं तो उसे पोजेसिवनेस वाला प्यार कहा जाता है, पर जब वही हमारे रॉकी भाई अपने प्यार यानी रीना को स्टॉक करते हैं तो लोग उसे गलत कहते हैं। ये कैसा अन्याय है? केजीएफ 1 से यश का स्टारडम काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से आने वाली फिल्म में अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उसकी वजह से उनकी ऑडियंस भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन ऑडियंस को ये समझना होगा कि फिल्म में दिखाया गया कैरेक्टर बस एक काल्पनिक किरदार है और उसके द्वारा किए गए एक्शंस स्क्रिप्ट की डिमांड है, ना कि एक्टर की पर्सनल चॉइस। अब आप खुद ही सोचिए, प्यार में पड़े आशिक का जब दिल टूटेगा तो वो देवदास ही बनेगा ना? लेकिन फिर भी लोग इसे गलत कहते हैं। वो शाहरुख खान को कहते हैं कि वो अल्कोहल को प्रमोट कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अगर ऑडियंस ऐसा सोचेगी तो हमें न्यू एज का देवदास कहां से मिलेगा?
और अगर किसी को इस फिल्म से गलत मैसेज पहुंचता, तो ऑडियंस स्टॉकिंग करती और सिगरेट फूंकती हुई नजर आती, ना कि यश की फिल्म के लिए हॉलीडे लेती हुई नजर आती और ना ही यश के बर्थडे के लिए नेशनल हॉलीडे की डिमांड करती। ऐसे में साउथ में स्वैग का चलन पहले से ही चलता आ रहा है, फिर चाहे वो गन चलाने का स्टाइल हो या फिर यश की सिगरेट जलाने का स्टाइल। और सीक्वल के आने से पहले ही इतने सारे रिकॉर्ड्स अपने आप में ही ये दर्शाता है कि ऑडियंस केजीएफ 2 के लिए कितनी एक्साइटेड है। तो एक बार फिर से, अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों, तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो, तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो, लेकिन उसका नाम सब जानते हैं। Since 1951. कुदरत का करिश्मा तो देखो, उस रात दो घंटाएं हुई, केजीएफ भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। ओ भाई, क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप मैं। उसका कोई नामो निशान इतिहास के पन्नों में नहीं रहना चाहिए। आई एम एनफोर्सिंग द आर्मी। And signing a death warrant of the biggest criminal in India. क्या आपसी फूट से होगा रॉकी को फायदा? क्या अधीरा हो जाएंगे रॉकी की साइड? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। जब भी हम थिएटर में किसी फिल्म को देखने जाते हैं, तो हमें उस फिल्म से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अक्सर हम किसी फिल्म को देखने जाने से पहले उस फिल्म के बारे में रिसर्च करते हैं, फिल्म के बारे में आए रिव्यूज पढ़ते हैं, अपने दोस्तों से उस फिल्म की रेटिंग्स और फिल्म के बारे में पूछते हैं। अगर इसके बाद जब हम फिल्म को देखकर वापस आते हैं, तो सबको उस फिल्म के बारे में अक्सर बताते हैं। इसे ही कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, और अक्सर इस वर्ड ऑफ माउथ से ही किसी भी फिल्म को हिट या फ्लॉप होने का पता चलता है। जब KGF चैप्टर 1 थिएटर्स में लगी थी, तो सभी ने इस फिल्म की तारीफ की और अपने दोस्तों और जानने वालों को इस फिल्म को देखने के लिए कहा, और कुछ ऐसे ही ये फिल्म इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म बन गई। अब ये तो सभी जानते हैं कि इस फिल्म का अगला पार्ट जल्दी आने वाला है, और ऐसे में सभी को इस फिल्म के सीक्वल से बड़ी उम्मीद है, और साथ ही इस फिल्म के सीक्वल को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी भी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है KGF चैप्टर 2 में। हम आपको बता देते हैं कि इस फिल्म के ट्रेलर में हमें दिखाया गया है कि इस बार रॉकी अपनी मां को किए गए वादे को पूरा करेंगे, और अगर कोई भी उनके इस वादे को पूरा करने के रास्ते में आता है, तो रॉकी उसे छोड़ेगा नहीं। जिससे हमें ये तो पता चलता है कि इस बार हमें रॉकी का बहुत ही खतरनाक और खूंखार वर्जन देखने को मिलने वाला है। KGF पार्ट 1 का एंड रॉकी के साथ खत्म हुआ था, जिसमें रॉकी करुणा को मारने के बाद KGF का राजा बन जाता है। अब रॉकी की मदद से सूर्यवर्धन के 5 सपोर्टर्स एंड्रयू, राजेंद्र देसाई, गुरु पांडियन, कमल और अधीरा सोने की खान पर अपना हाथ रखने की सबसे बड़ी मुश्किल को दूर कर देते हैं, यानी कि करुणा को मरवा देते हैं रॉकी के द्वारा। अब कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि रॉकी की वजह से इन सबके बीच फूट पड़ जाएगी, और सबके अलग अलग प्लान्स हैं, और आखिर में अधीरा रॉकी की मदद करने के लिए पुष्पाई हेटियस, इन्हें पोछ दो। माना कि एक बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग है, नशा ने कितनी बार बोला और सुना गया है, लेकिन आपको बता दें कि इस डायलॉग में बॉलीवुड की सच्चाई शायद से नहीं दिखती है। हो गए ना आप हैरान? वैसे इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड को रोने धोने वाले और इमोशनल सीन्स बेहद पसंद है, और इसीलिए बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स अपनी सारी फिल्मों में रोने धोने वाले और इमोशनल सीन्स को भरपूर डालते हैं।
इसी के साथ बता दें कि जब भी आप किसी थिएटर में मूवी को देखने जाते हैं और अगर आप रो देते हैं तो मानिए कि वो फिल्म का काम सक्सेसफुल है और वो हिट ही होने वाली है। इसी के साथ आपको भी ये पता है कि अब साउथ की फिल्में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने लगी है, तो ऐसे में उन्हें बॉलीवुड के ऑडियंस को मद्देनजर रख करके फिल्मों को बनाना पड़ता है और इसीलिए हमें साउथ की फिल्मों में भी इमोशनल सीन्स दिखने को मिलने लगी है। इसी के साथ हम बात कर रहे हैं KGF 2 की। सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म KGF 2 को लेकर के दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले पार्ट ने जो धमाका मचाया था उसके बाद सबको इसके सीक्वेंस का बेसब्री से इंतजार है। इसी के साथ आपको बता दें कि इसके पोस्ट प्रोडक्शन की काम पूरी हो चुकी है और जल्द ही यानी कि 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। और KGF चैप्टर 1 के धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद तो यही लगता है कि जब इसका सीक्वल आएगा तो वो भी सुपर जूपर हिट फिल्म ही साबित होगी और इतना ही नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर धमाल भी मचाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि इस फिल्म के सीक्वल में हमें क्लाइमैक्स सीन देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि सिर्फ क्लाइमैक्स ही नहीं बल्कि खतरनाक क्लाइमैक्स सीन। और आपको ये भी बता दी कि ऐसा सुनने में आया है कि इस फिल्म के सीक्वल के लिए एक खतरनाक क्लाइमैक्स सीन लिखा गया है जिससे दर्शकों का ये कहना है कि हो सकता है कि KGF के मेकर्स ने फिल्म की एंड में यश के किरदार को मार दिया हो ताकि फैंस अपने चहेते किरदार के लिए आंसू बहाए। लेकिन आपको बता दें कि इस बार सिर्फ ऑडियंस ही नहीं होने वाले हैं जो अपने आंसू बहाएंगे क्योंकि क्या रॉकी को होगा रमिका से प्यार? क्या खेल खेलेगा रॉकी? कहां से शुरू होगी कहानी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। फिल्म KGF 2 की रिलीज डेट सामने आ चुकी है जो 14 अप्रैल 2022 को रिलीज की जाएगी। KGF देखने के बाद दर्शकों को KGF 2 देखने का लंबे समय से इंतजार है। दर्शकों में फिल्म की कहानी को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट बनी हुई है। KGF 2 में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त नेगेटिव किरदार में नजर आने वाले हैं। ऐसे में दर्शकों में इस फिल्म की कहानी को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई। फिलहाल फिल्म की कहानी पहले ही सामने आ चुकी है, लेकिन क्या है KGF 2 की कहानी? तो यहाँ बता दें KGF चैप्टर 2 की शुरुआत वहीं से दिखाई जाएगी जहाँ से पहली फिल्म का द एंड हुआ था। KGF फिल्म के अंत में यश यानी रॉकी ने अपनी मरती हुई माँ से वादा किया था कि वो गरीबों में दम नहीं तोड़ेगा। रॉकी के इसी वादे पर फिल्म KGF चैप्टर 2 की कहानी आगे बढ़ेगी। KGF चैप्टर 2 में दिखाया जाएगा कि रॉकी का सपना है कि वो सोने के व्यापार पर राज करे और इसीलिए वो इस काम में लगा हुआ है। फिल्म के पहले पार्ट में रॉकी गरीबों की मदद करके उनका मसीहा बन गया था। चैप्टर 2 में भी रॉकी गरीबों की मदद करते हुए नजर आएगा, लेकिन इसके साथ ही वो अपने सपने को भी आगे बढ़ाएगा। रॉकी की मुलाकात अधीरा यानी संजय दत्त से होगी। फिल्म में रॉकी और अधीरा के बीच सोने की खदानों को लेकर जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। रॉकी अब काफी बड़ा हो गया है, वो राजनीति के खेल और माफियों के समीकरणों को समझने लगा है। फिल्म में उसका लक्ष्य अपने दुश्मनों को खत्म करने के साथ ही अपने सपने को पूरा करना भी है। फिल्म में अभिनेत्री रवीना टंडन भी है जो एक पॉलिटिशियन का किरदार निभाती नजर आने वाली है। फिल्म में रॉकी और रवीना टंडन के बीच लव एंगल दिखाया जाएगा। रॉकी का प्यार उसके लक्ष्य के आड़े आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि प्यार तो रीना थी ना, तो अब रमिका से प्यार कैसे होगा? तो यहाँ आपको बता दें कि प्यार और जंग में सब जायज होता है और यहाँ जंग जीतने के लिए एक झूठा प्यार भी करना पड़े। तो यश और श्रीनिधि के लिए आएगी मुश्किल, अधूरी रह जाएगी लव स्टोरी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। एक ही पल में कोई आपकी जिंदगी में सबसे करीब आ जाए और दूसरे ही पल में आपको उसे अपनी जिंदगी से दूर करना पड़े, सोचो उस पर क्या बीतती होगी। आप जानते हैं कि जिंदगी में सबसे मायूस होने वाली बात क्या है? जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है और किसी भी कारण से आपको उसे अपनी जिंदगी से जाने देना पड़ता है।
कहते हैं ना कि सच्चे प्यार की कहानी में कभी मिलन नहीं होता, लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं कि आज के जमाने में सच्चा प्यार का टिकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और कहीं ना कहीं सारी लव स्टोरीज का द एंड हो ही जाता है। चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, ये जमाना प्यार करने वालों के लिए आसान नहीं है। आखिर कहते हैं ना, इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। हमने ऐसी कई कहानियां देखी हैं जहां लव स्टोरीज का एक प्यार भरा अंत होता है, लेकिन अब लगता है कि ऑडियंस को जल्द ही एक और अधूरी कहानी देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे हैं फिल्म KGF चैप्टर 2 की। खबर है कि KGF चैप्टर 2 की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां फिल्म का पहला पार्ट खत्म हुआ था। कहानी में एक्टर यश के किरदार रॉकी ने अपनी मरती हुई माँ से वादा किया था कि वो गरीबों में नहीं मरेंगे। उसका ये वादा दूसरे भाग में पूरा होगा। साथ ही KGF चैप्टर 2 में हमें रॉकी भाई और रीना की लव स्टोरी भी दिखाई देगी, लेकिन सुनने में आया है कि फिल्म में इन दोनों की प्रेम कहानी अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि इनको रॉकी की पावर की लड़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिल्म KGF चैप्टर 2 के लिए दर्शकों के बीच उत्सुकता का कारण एक रॉकी का और दुश्मन यानी कि संजय दत्त का किरदार अधीरा भी है। साथ ही आपको बता दें कि ऑडियंस KGF चैप्टर 2 में श्रीनिधि शेट्टी, जो फिल्म में रीना का किरदार निभा रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अब श्रीनिधि इस फिल्म में अपने किरदार से लोगों को इम्प्रेस कर पाती हैं या फिर नहीं, ये तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। क्या एक बार फिर होमबेल फिल्म्स के साथ यश ने मिलाया हाथ? कौन सी होगी यश की अगली फिल्म? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राड स्टूडियोज में। KGF 1 के बाद अब KGF 2 के साथ बॉक्स ऑफिस और दर्शकों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार है यश। ऐसे में हाल ही में KGF 2 के सभी स्टार कास्ट की फीस सामने निकल कर आई है, जिसमें फिल्म के हीरो यश ने सबसे ज्यादा फीस चार्ज की है, साथ ही फिल्म के प्रॉफिट में भी भागीदार बनेंगे। KGF 1 से लाइमलाइट में आने वाले रॉकी भाई की फिल्म KGF 2 14 अप्रैल 2022 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ऐसे में इसके बाद यश कौन सी फिल्मों में नजर आएंगे, ये जानने के लिए आप सभी एक्साइटेड होंगे। तो बता दें आपको कि पिछले साल के एंड के आस